नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कैसे हैं आप लोग, खैरियत है? अच्छा नहीं, लेट आने की कोई बात नहीं, कभी कभी लेट हो जाते हैं हम लोग भी। असल में मैं लेट नहीं हुआ, ये बिलाल लेट हो गया। बिलाल की वजह से यहाँ से अब्दुल बासित लेट हो गया। दोनों ने शुरू कर दिया एक दूसरे को कंपटीशन देना, इसलिए लेट हो गया। अब बताओ क्यों लेट हो तुम? क्या चक्कर? और ये अब्दुल बासित कॉम्पिटिशन में, अब्दुल बासित इसके, ये मैं रमजान में जो मैंने इबादत की थी, नूर आया चेहरे पे। सारे रमजान में तुम हम लोगों के साथ थे यार। चलिए जी शुरू करते हैं आज का मैच। याद रहे कल किस्मत थी फिर से चैंपियंस के साथ, हारते हारते जीत जाते हैं, किस्मत इतनी मेहरबान है लोगों के ऊपर। लेकिन गाइस तुम लोगों के फैंस बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं यार तुम लोग खेलते हो और किस्मत साथ नहीं दे रही और हार रहे हो। नहीं, कल फैंस ने हमें बोला तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, हार जाएंगे। ये नहीं बोला था, देखो फैंस ये बात एक हद तक बोलेंगे तुम्हें, जीत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि तुम लोग जीतो, तुम्हारी फैंस बहुत सारे हैं इंशाल्लाह। जिस तरह चैंपियंस के बहुत सारे फैंस हैं और तुम लोगों को दुआएं देते हैं, इस तरह तुम्हारे भी बहुत सारे फैंस हैं और वो चाहते हैं कि तुम लोग जीतो। इसलिए आज का मैच पूरी कोशिश करना जीतने के लिए जीतने के लिए आए हो। जबरदस्त इसी नोट पे शुरू करूंगा पहला गेम, लेकर आओ जल्दी से। पहला गेम है, पता नहीं कौन सा गेम है, ये नया गेम आया फिर कोई। अच्छा नहीं, आपने फूक मार के बॉल को इसमें रखना होगा, बेहतरीन। आइए, कल आज कैप्टन कौन है भाई? बिलाल ने कहा नहीं, आमिर नहीं, आमिर ये नहीं, आमिर कौन है? नहीं आमिर। अच्छा आमिर बताओ, चैंपियंस चैंपियंस से स्टार्ट, और चैंपियंस ही जीते आज का पहला टॉस। कौन आएगा तुम्हारी टीम से, जल्दी से आओ भाई। बासित, ऑब्वियसली बासित ही आते तुम लोगों के पास से, बाकी तुम लोग कुछ करते तो नहीं। या बासित आता है या फिर आता है हुसैन या फिर आता है मीर, कब तुम तैयार होकर बैठी रखते सिर्फ तैयार होकर बैठती हो तुम यहाँ पर। मैक्सिमम काम ये क्या करती, जाएगी अपनी पसंद की पोटी लेकर आएगी और बैठ जाएगी आगे। अरे भाई कुछ गेम शेम खेलो, शायद आज भी खेलती है, लेकिन ये तैयार होने आती है। और आपकी तो काफ से कच्ची है, आपकी तो काफ से कच्ची है, आप तो कुछ करती नहीं है, सिर्फ बैठती हैं, इन लोगों को आपस में लड़ता हुआ देखती हैं, गेम्स एंजॉय करती हैं, गाने सुनती हैं और चली जाती हैं। ऐसे ही हो रहा है हरीम, आज मुझे डिफरेंट हरीम चाहिए। आ जाओ जल्दी से, कैन कोई नहीं लाएगा, अगर जिसने लाया उसको क्या करना है, मुझे एक करंट वाला कुछ ला दो, जो हिलाए मैं करंट लगा दूँ उसके। आओ भाई जल्दी से, कैन कोई नहीं लाएगा और यहाँ से भी कोई नहीं लाएगा। आमिर साहब आप याद रखिएगा, एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, रेडी गो। अरे बहुत आराम, बहुत आला बात है, चलो। अरे जोर से, अरे इतनी जोर से थोड़ी, चलो चलो चलो, अरे बात है, जल्दी जल्दी। टाइम अप बासित, एक और दो स्कोर किया है बासित ने। तुमने भी इस गेम के लिए सबसे लंबा आदमी भेज दिया अपना। हुसैन तुम्हें खेलने आना चाहिए था ये गेम, या किसी लड़की को खेलवाते। खैर चलो, सिर्फ दो स्कोर किया। आमिर साहब कौन आएगा एक पॉइंट जीतने? बालाज, आइए बालाज, यहाँ से भी सबसे लंबा आदमी आ रहा है, बताओ। यहाँ से भी सबसे लंबे आदमी, यहाँ से भी, आ जाओ जल्दी से बालाज, तुम्हें सिर्फ तीन स्कोर करना है, दो स्कोर किया है। रेडी रेडी गो।
यार थोड़ा सा बलाज से सीख लो तुम, सुने तुम दोनों कजन हो तो इसी से सीख लो। मेरा बड़ा भाई है मेरा। मतलब यहाँ आके इतनी जोर जोर से फूके मारी तुमने, बॉलों के वहां दुकान लगा दी। खैर ये पॉइंट जीता है बलाज ने चैंपियंस के लिए, और फिर से चैंपियंस का आगाज हुआ है। चैंपियंस वाला ये पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ। आइए सर, ये फ्लोर आपका इंतजार कर रहा है, आ जाओ जल्दी से बलाज साहब, आप भी आ जाइए तो फिर हो जाए। दुनिया हमें जब बहुत ज्यादा डांस जाता है वहीं से बोला बस भाई बस बस बहुत हो गया। चलो भाई नेक्स्ट गेम खेलेंगे, जल्दी से लेके रहो। नेक्स्ट गेम क्या है? ओके, बड़े दिनों के बाद आया है, वहां जाओ। गेम का नाम है रस्सा कशी। इसमें होंगे तीन लोग, दो मेल्स एक फीमेल। तीन पॉइंट्स का गेम है, कौन कौन आएगा? मैं, बिलाल और सिद्रा। बहुत आला, आ जाओ, टीम गेम है ये। तीन पॉइंट्स का गेम भाई, कौन कौन आएगा यहाँ से? आज तो हरा दो इनको, आ जाओ जल्दी से। रबीका, अच्छा रबीका आ गई है क्या? अरे क्या बात है, रबीका आई है भाई आज। अब्दुल बासित, रबीका और मीर। अच्छा भाई जिस जिसने शूज उतारने वो उतार सकता है, कहीं तुम लोग स्लिप ना हो जाओ, इसलिए बी केयरफुल। और बिलाल तुम्हारा मसला ये है कि अगर तुम स्लिप होके कहीं गिरे तो फ्लोर पे ही गिरना, हमारे उस पे देखो स्पीकर रखे उन पे मत गिर जाना, और पीछे कैमरे वाले वहीं उन पे मत गिर जाना तुम। रेडी हो? कहाँ आ गए? थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये बात बस बस पीछे। अच्छा जी रेडी हो? अच्छा मिडिल के अंदर यहाँ पर रबी का है और आखिर में आप, सही हो? रेडी हो? ओके तो फिर रेडी गो। हो गया, कहाँ तक जाओगे? उनकी टीम में शामिल हो जाओ तुम लोग जाके। वाह वाह, बिलाल तो एक हाथ से ही खींच रहा, ये खींच रहा बिलाल, टर्मिनेटर बना हुआ था आज, ये पकड़ा हुआ था बिलाल आज, क्या बात है। खैर मतलब ये मुकाबला 30 सेकंड्स भी नहीं चला, रबीका ने जोर ही नहीं लगाया, कहीं उनके बाल खराब ना हो जाए या कहीं उनकी शर्ट खराब ना हो जाए। अरे कुछ नहीं किया मैं, देख रहा हूँ तुम लोगों को ऐसे ही थोड़ी, आपको अगर मैं दिखा दूँ, तुम जाके रिप्ले जरूर देखना रात में कि तुमने क्या किया आज। ले है रिप्ले है हमारे पास तो दिखाओ ना, रिप्ले नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा वैसे आ गया। खैर ये तीन पॉइंट जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ। अब तीन पॉइंट वाला डांस हो जाए जल्दी से, गाना हो जाए भाई, चलो। कह देना आंखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। ये कोई निवाला था जो यहाँ फंस गया था? सांस रुक जाती है। सांस अपनी सांस खुद ही रोक ली थी, ये सांसों में ये कर रहा था, ये करना कुछ ये चाह रहा था और कर रहा था सांसों में। अच्छा मैंने सुना है बिलाल की एक वीडियो आई है, बिलाल ने बाकायदा मतलब के बाकायदा ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर दिया, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? और क्या बोला था कि हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें नींद नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो आती है, हमें भी आती है ना, तो आर्टिस्ट लोग क्यों नींद नहीं आती आपको? बिलाल ख्यालों में ज्यादा रहते हैं। किसके? लड़कियों तो आपको पता है। मुझे कैसे पता होगा? अरे हमारी डॉक्टर साहिबा किसी के ख्यालों में मैं नहीं, झूठा मदिया। ये वाहिद आदमी है जो सिर्फ अपने ख्यालों में रहता है। हाँ ये बात अपने, ये अपने ख्यालों में जाके सुपरस्टार बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, ऐसे ही है ना, कॉफी पीना शुरू कर दिए। कितनी पीते हो? मतलब अभी तो एक ड्रम, 3-4 कप इन अ डे। चलो गुड गुड गुड, चलिए भाई नेक्स्ट गेम जल्दी से लेकर आइए। क्या चीज? अरे याद आया यार, मुझे याद ही नहीं रहा आज खुश थे ये लोग। खैर अब एक साथ तुम लोगों को एक नहीं बल्कि 2 मिनट दूंगा और खामोश शुरू हो जाओ। क्या मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हुसैन हमेशा बोलते हैं कि बलोच ने गुदगुदी कर दी, तो वो गुदगुदी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप फौरन हंस जाओगे। ठीक है, और आपकी टीम ने 2 बलोच हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा लंबा ऑडिशन भी मेरा था, और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में भी सबसे ज़्यादा देखने जाने वाला मेरा था, तो आप जो है ना वो बलोच को भूल जाओ और यहाँ पे गेम पे कॉन्सेंट्रेट करो। पूरी दुनिया में भी इतना देखा गया है?
जी हाँ, क्योंकि मेरे 4 घंटे का ऑडिशन लिया था वकार भाई ने, फिर जाके मैं सिलेक्शन हुआ था। नहीं लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कैसे? अच्छा आप बताए आपको 4 घंटे का क्यों हुआ? पहले वकार भाई को लग रहा था ले लूं से, फिर उन्होंने सोचा नहीं ले लूं, फिर बोला ले लूं। नहीं करो यार आमिर, क्या हो गया यार, क्या हो गया? अजीब बात, बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप यार। यार बच्चा है तो बच्चों वाली बातें करेगा ना। अच्छा जी, और किसी ने इनके बारे में कुछ कहना है? नहीं, आपके दोस्त बैठे सामने। सबसे पहले तो हमारे जितने भी फैंस हैं जो कहते हैं कि हम उनको रिप्लाई नहीं कर पाते या सलाम का जवाब नहीं देते, तो उन सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। और कल के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हम लोग 13, 14, 16% से उठ के एटलीस्ट 48 तक तो आए, तो आज भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और इन सब के लिए आप लोगों ने हम लोगों को लिटरली इतना विलन दिखा दिया ना, तो अब इन लोगों के साथ ना करने में भी मज़ा आता है, अब इन लोगों को तंग करने में हम लोग को बहुत मजा आता है। सारा टाइम खा के कुछ नहीं बोला, बोलो जल्दी से क्या बोलना है इन लोगों को, बोलना है इन लोगों को। ये बोलना है इन लोगों को कि बच्चों अभी तुम लोग स्टार्ट में समझ रहा हूँ, लेकिन जब तुम चैंपियंस के ऑडिशन देने आओगे तो एक छोटी सी टिप दे देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? वैसे बहुत सारे रूल्स है लेकिन एक टिप ले लो मेरी, ये जो फेक बन रहे हो ना यहाँ पे आगे आर्टिफिशियल, ये मत बनना वहाँ पे, ठीक है? तो पहचाने जाओगे अपना जो भी नेचर है वो जाहिर करो, जैसे हम लोगों ने जाहिर किया है चैंपियंस में, तभी सिलेक्ट हुए हैं। कोई बात आ रही जोर से? मैं बोल रहा हूँ कि मीर की गर्दन ऐसे हिलती जैसे कोई बोलने वाला पैरोट हो, तोता हो, जो कि जिसको खाना ना मिल रहा हो और वो प्यास से जो है ना वो भूखा मर रहा हो, इस तरीके से यूं ही हिलाते हो। कैसे 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 दोबारा बताना कैसे करता है? ये तुम करते हो, ये तो तुम करते हो, वो तो नहीं करता। ये एक्चुअली ये किसी और तरीके से लाना चाह रहे थे लेकिन इनकी गर्दन इतनी मोटी है, हिली नहीं। चलो भाई टाइम अप, नेक्स्ट गेम खेलेंगे, जल्दी से लेके रहो। आज का माहौल बहुत अच्छा है जी, बड़ी दोस्तियां चल रही है, तुम लोगों को ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे यकीन है तुम लोगों के पास जब बारी आएगी तुम लोग नहीं छोड़ोगे। आओ भाई नेक्स्ट गेम। अच्छा जी बारी है आपकी, बताइए कौन कैप्टन है आज? रवि का। अरे नहीं करो, रवि का कैप्टन है आज, बस देखो आज यही नहीं खेलेगी बाकी सब खेलेंगे। अब तो हारोगे, पक्का हारोगे, रवि का कैप्टन है तो। अब तुम रवि का पे शुरू हो गया यार। चलो भाई बताओ कैप्टन। चैंपियंस। अरे वाह भाई चैंपियंस, बिल्कुल सही बोला रवि का ने, और टॉस जीते हैं टिकटॉकर्स, इसलिए पहले आपकी टीम से कौन आएगा जल्दी से आ जाओ। कल ये गेम आपने खेला था, एक कप के ऊपर एक कप रखना है और कप में कप को जमा करना है, और पूरा एक मिनट, अगर कप तुम एक मिनट से पहले खत्म कर लोगे तो फिर इनको मैं टाइम दूंगा। रेडी हो? रेडी गो, जल्दी जल्दी क्या बात है, पहले ही आमिर ने ये सारा स्कोर कर लिया है। एक कोई जो 24 सेकंड्स पहले कर ले सब कुछ। कौन अभी का आप कैप्टन है? मीर आएंगे, आइए मीर साहब। 25 सेकंड्स पहले ही आमिर ने सारा स्कोर कर लिया, 24 सेकंड्स पहले करने। अच्छा नहीं, सिर्फ दो लोग, अब्दुल बासित या तो आप आ जाओ या शाहताज, कोई एक आएगा, कौन आएगा? चलो रेडी गो। अरे 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 दिन लंघदे तू बुलावे तैनू सुन ससिए तेरे बाजू रातां कीवें लंघदियां ने दिल दियां गल्लां तैनू आला दसिए हुण मेरा खोले दिल ते मैं बूए खोले घर विच आ जा सोणी टाइम गुजरे हुए तो सदियां हो गई, मैं तो गाना सुन रहा था लकी का। और ताला, और ये पॉइंट फिर से जीता है टीम चैंपियंस ने। भाई तुम्हें उड़ा उड़ा के ग्राउंड से बाहर फेंक रहे हैं ये लोग, इसलिए ये एक पॉइंट फिर से जाएगा चैंपियंस के साथ। आ जाओ चैंपियंस,
आओ जल्दी से। बला साहब आपकी काफ से कच्ची है, पक्की है ना आपकी? आइए फिर हो जाए। जब से मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा हसी लगे बार बार तेरा, आज तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार दे दिया, सोचा ना था हो गए सपनों में हम। बिलाल एक मिनट, बिलाल बिलाल इधर एक मिनट इधर आओ। जब तुम्हें कुछ ना आया करे ना तो दो स्टेप्स है, पड़ोसी मुल्क से देखे मैंने, वो ये होते हैं, ये पकड़ा तुमने और ये कर लिया, ठीक है। और अगर अगर एक मिनट अगर इसका भी दिल ना चाहे ना, सिर्फ जेब में हाथ डालना और ये कर लेना, ये भी डांस है, ठीक है। अंगूठे तो अंदर करो, ये क्या किया हुआ तुमने, जाके बैठ जाओ। चलो और ये पॉइंट भी जीता, जल्दी से मुझे स्कोर कार्ड दिखाइए। 3, 4, 5 पॉइंट्स हो गए मेरे ख्याल से। क्या कर रहे हो 0 पॉइंट्स वालों, दिखाइए। चैंपियंस के 5 टिकटॉकर्स का अकाउंट ही निकला गाइस, क्या कर रहे हो? लाओ भाई नेक्स्ट गेम जल्दी से लेकर आओ। कोई तो ऐसा गेम होगा जो टिकटॉकर्स आज जीतेंगे। जीतोगे तो ही खेलोगे गेम चेंजर, आज भी नहीं खेलना क्या? हाँ भाई चलिए, ये गेम आप लोग 3 दिन से खेल रहे हैं, अब तो इस गेम में आप लोगों को मंच जाना चाहिए। यहाँ से मुझे एक फीमेल और मेल चाहिए, यहाँ से भी एक फीमेल और मेल चाहिए। इसका टॉस नहीं होता, अंकल इधर आ जाओ। कौन आएगा यहाँ से जल्दी बताओ? शाहताज आएंगी, शाहताज का मुकाबला करने कोई है यहाँ पर जो आए? आओ सिद्रा। चलो भाई टिक टैक टो गेम का नाम है, 2 पॉइंट्स का गेम है गाइस, तो मैंने कहा रेडी गो, जल्दी जल्दी। बसे कर ले या फैसला, मुस्कुराएंगे चलो चलो, कम है हजार उलझने बेशुमार, पर कोई हम सफर अब नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, हम उठाएंगे और मुस्कुराएंगे। मेरा दिल नहीं अवेलेबल, कोई और दिल खटखटा, अच्छा सा कोई दिल खरीदो फिर उससे बिना मत छुड़ा। मेरा दिल नहीं अवेलेबल, फिर उससे बिना मत छुड़ा, अच्छा सा कोई दिल खरीदो फिर उससे बिना मत छुड़ा। दादाज कम ऑन, मेरा दिल नहीं अवेलेबल, मेरा दिल नहीं अवेलेबल। और 2 स्कोर किया यहां से सिद्रा ने, इसलिए ये 1 पॉइंट तो गया चैंपियंस के साथ। भाई तुम लोग कुछ खेलने या जीतने आए हो आज, या सिर्फ देखोगे इन लोगों को जीतते हुए और रोज सोते रहोगे आज? आओ जल्दी से, आमिर और अब्दुल बासित आए हैं 2 पॉइंट के लिए, रेडी है दोनों? तो मैंने कहा मेरा दिल नहीं अवेलेबल, रेडी गो। एक और लाइन बनानी है तुमने क्या? और ये दोनों पॉइंट्स फिर से जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ। ये लोग तो आज खेली चैंपियंस की तरह रहे भाई, हार नहीं रहे किसी से। ये देखे कैप्टन कौन है, आ जाओ भाई जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आ जाए भला साहब आप भी कुछ हो जाए। ओ भाई दोबारा से आज बड़ा मसरूफ है हमारा बिलाल, रेडी गो। कल तक था मैं अकेला, ये हाथ याद रखना, ये हाथ याद रखना, बस मैं यूं बोलूंगा या म्यूजिक बंद हो जाएगा, है ना बिलाल? मैं कहता हूँ ये राहें बताना जरूरी होती है हाथ से। हाँ ना, माइक में तो बताओ लोगों को कैसे इन्फॉर्म होगा कि राहें हैं ये, तो लोग सुन नहीं रहे। नहीं लोग असल में क्या क्या कह रहे हो तुम?
बेरे हैं वो बोल रहे हैं। अच्छा। यार बेइज्जती नहीं करो लोगों की, आपको शर्म नहीं आती? लोगों की मैं नहीं कर रहा बिलाल, तुम समझो लोग बहुत समझदार हैं, समझ रहे हैं जल्दी से नेक्स्ट गेम। अरे नेक्स्ट गेम से पहले पूरा एक मिनट है तुम लोगों के पास, खामोश। क्या बोलना चाहते हो बोलो? हम लोग जब भी खेलते हैं बहुत दिल से खेलते हैं और हम लोग अपने आप को मनवाते हैं यहाँ के। आप लोग सिर्फ बातें करते रह जाते हैं और जितनी एनर्जी आप लोग टिकटॉक बनाने में लगाते हैं अगर यहाँ भी लगा लें तो शायद आप लोग जीत जाएं। ये तो हो रहा है आज, क्या कर रहे हो तुम लोग? और कुछ ने कुछ कहना है? इतने बेशरम, इतने बेशरम, इतनी दफा हमसे आ रहे यार, अब तो उठ के चले जाओ। अच्छा जी, और बिलाल साहब, आमिर साहब? नहीं, नो कमेंट्स, ये बहुत अच्छे हैं। फिर भी दांत दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा दांत? बेशर्मी की हद होती है। कौन दांत कौन दिखा रहा है? अब तो डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। इतना डिसअपॉइंट किया है आप लोगों ने अपने फैंस को। वो बेचारे तो मेहनत करते रहते हैं, हमेशा आप लोगों को जिता रहते रहते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा हारते रहते हैं। तुम लोगों के लिए बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि यार आप लोग क्यों नहीं जीत रहे और ये हो रहा है और वो हो रहा है। अब आप लोग खुद देखें, अब हम अनफेयर तो कर नहीं सकते हम। अब ये लोग बाकायदा खेल के सबके सामने इनको हरा रहे हैं भाई। जब हम लोग जीत जाते हैं ना, मैं दो दिन से देख रही हूँ, इतने लाइक कमेंट्स आ रहे हैं कि स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड लाइव शो, स्क्रिप्टेड कैसे हो सकता है, होगा स्क्रिप्टेड यार। बस ये हो गया, हंस क्यों रहे हो तुम दोनों आपस में, हंसे जा रहे हो यार? लाल बोल रहे हैं। चलो टाइम अप, नेक्स्ट गेम है जी गोल गोल, चक्कर पे चक्कर, एक पॉइंट का गेम है। पहले मैं टॉस करूंगा और देखते हैं कल अब्दुल बासित बचत हो गई तुम्हारी। चलो बताओ क्या है इसमें, है? माइक माइक भी चल रहा, माइक दीजिए सर। हमारी बारी है टॉस की, हमारी बारी है टॉस की, बारी नहीं, नहीं, हमारी बारी है। पहली हमारी हुई, सेकंड इनकी, अब थर्ड हमारी। पहली इनकी हुई थी, मैं हमारी हुई, मैंने जीता था चैंपियंस, हमारी हुई थी चैंपियंस आया था। चलो वो कह रहे रोनी, वो कह रहे रोनी, चलो चलो बताओ चैंपियंस। नहीं इंसाफ की बात होती है, हक के लिए मैं लड़ता हूं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कच्ची हो गई आमिर की। और टिकटॉकर्स आए, आमिर तुम टॉस आ रहे हो इसलिए पहले तुम्हारी टीम से कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा टीम से आपकी? सिद्रा है, सिद्रा आएगी। बला जा स्पेशली शाताद को चैलेंज कर रही है ना, इस वजह से शाताद को चैलेंज कर रही है, एक्सेप्ट करना चाहिए। चलो आज हो जाए शाताद वर्सेस सिद्रा हो जाए आज, है भाई? देखते हैं स्कोर, देखते हैं यार क्या कितना स्कोर करेगी यार, पांच थोड़ी कर जाएगी वो। रेडी हो, आ जाओ सिद्रा, चलो मिडल में आओ, पूरा एक मिनट है तुम्हारे पास। रेडी गाइस, रेडी गो, चार, चलो चलो चलो। दुनिया झूम रही है, दुनिया झूम रही है, पर नाचा है धरती झूम रही है, दुनिया झूम रही है, दुनिया झूम रही है, पर झूम रही है। गोल 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 गोल, चल चलो चलो चलो, अरे ये, अरे ये, एक और एक और। इसना डांस ना कोई, एक इसना डांस ना कोई, यार ना चलो किसे दा, यार ना चल चलो चलो चलो, अरे चलो भाई ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े इतना डांस ना कोई, इतना डांस ना कोई। एक टाइम अप और डेढ़ स्कोर किया है, तीन स्कोर वैसे किया और आपने डेढ़ राउंड भी ले लिया। हाँ भाई कौन आएगा इनको हराने के लिए? हुसैन आएंगे, मैं समझा शाताद आ गया हराएंगे यार, सही नहीं है, आ गए शाताद, चलो भाई आ जाओ। अच्छा सिद्रा जब आई थी तो रियाज पटेल बड़ी जोर जोर से ड्रम बजाने लगे थे, पता नहीं क्या हुआ था रियाज को, मैं देख रहा था, कोई ड्रम तो नहीं फाड़ दिया आपने? अब मेरी नजर तुम पे भी रहेगी रियाज पटेल। चलो भाई रेडी हो, बेटा इधर आओ, घूमो कैमरा सामने, रेडी शाताद, रेडी गो। ये दुनिया झूम रही है, ये दुनिया झूम रही है, पर नाचा है धरती झूम रही है, ये दुनिया झूम रही है, दुनिया झूम रही है, पर नाचा है धरती झूम रही है। खुशी है तू चार, अरे क्या बात, मेरी जिंदगी है तू, क्या बात, मेरी जिंदगी है तू,
हाँ मेरी जिंदगी है चलो 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 नहीं 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 यार कुछ प्रॉब्लम हुई थी मेरी जिंदगी है दोबारा नहीं मुझे 16 या 17 सेकंड्स दो यहाँ पर 16 या 17 सेकंड्स दो क्योंकि 17 सेकंड्स रह गए थे उसने 3 स्कोर कर लिया है वो चौथा भी कर जाएगी 17 सेकंड्स का टाइम है आपके पास 17 सेकंड्स में करना है नहीं 17 सेकंड्स है बस चलाओ टाइम दोबारा रेडी हो रेडी गो चला 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 जादोस ये दुनिया झूम रही है ये दुनिया झूम रही है और आज फर्स्ट टाइम किसी ने 4 स्कोर किया है लड़कियों में से शाताज वेल डन जबरदस्त वेरी नाइस और इस तरह ये 1 पॉइंट जाएगा और किया बिल आखिर खाता खुला टिकटॉकर्स का 1 पॉइंट गया आप लोगों के साथ आ जाओ जल्दी से हो जाए ला 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 हुसैन ने जो ये डांस है ना ये इसने गाड़ी के वाइपर से सीखा है ये चला के यही सीखता रहता था कि मैं यही सीख जाऊं कम से कम यही कर लूं है ना चलो भाई पूरा 1 मिनट है तुम्हारे पास बहुत सारी बातें करते हैं 1 मिनट खामोश शुरू हो जाओ चैंपियंस बहुत अच्छे हैं अभी देख आमिर ने कल मेरी बात मान ली घुटना छुपा दिया बहुत गौर से देख रहा था तू बाने बाल ऐसे बनाए जैसे यहाँ से 2 सींग निकले हैं उसके और बिलाल आप कह रहे थे कि हम मैं सारे टिकटॉकर्स को 140 रुपए में बेकरी में बेच के आ जाऊंगा आपको तो कोई लुंडा में रखे तब भी नहीं खरीदेगा आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है तो सोच समझ के बोला करो ठीक है मुझे ऐसे ही लगता है ये लंडे में धूप लग के इसका चेहरा खराब हो गया बिलाल आप बैठते ऐसे जैसे गोल तक ही आगे रखा हुआ तूबा थोड़ी सी और बिलाल की काली कर लो तो बिल्कुल मिकी माउस लगोगी कह रही है अगर आप थोड़ी सी अपनी नाक जो है वो काली करें तो बिल्कुल मिकी माउस लगेंगी दिखा दो और कॉम्प्लीमेंट और अभी हाँ आपका फेस माशाल्लाह से ऐसा लगता है जैसे 0 वाट का बल्ब जल गया हो तो ये तो तुम इसको कॉम्प्लीमेंट दे रही हो चमकदार है यानी इतनी अभिया के फेस पे रमजान का पकोड़ा रह गया अभिया के सर पे बाल थोड़ी हैं सर अभिया के सर पे बाल नहीं है एक्सटेंशन लगा कर आती है क्या और बिलाल ऐसा लग रहा है बिल्कुल गंजी मुर्गी ऐसे बाल बना के हो गया जी बस चलो टाइम अप देखा और करो दोस्ती मैंने कहा था इनकी बारी आएगी तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं आओ नेक्स्ट गेम अभी तो तुम जवान हो तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए कब हुई तुम्हारी शादी 9 साल हो गए मुझसे पहले हो गई थी चलो जाओ लाओ पहले टॉस करें लाओ भाई जल्दी से बताओ हाँ भाई कहाँ है कैप्टन अच्छा बैठी भी शान से कैप्टन की तरह ना मैं ही कैप्टन हूँ हाँ पक्की बात कुछ प्रिजर्व तो नहीं है अरे टिकटॉकर्स तुम्हें टिकटॉकर्स बोलना चाहिए था और टिकटॉकर्स ये टॉस आ रहे हैं इसलिए पहले आएंगे टिकटॉकर्स के पास से ही कोई डांसर गेम का नाम है अभी तो मैं जवान हूँ पूरे 3 पॉइंट्स का गेम है आओ जल्दी से अब्दुल बासित लाइट में तो आओ याओ याओ रेडी आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग कोई नया स्टेप लेकर आए होगे रेडी गो तुम हो जहां मेरी जान जहां मैं ये जिंदगी हसी जिंदगी का है निशान मेरी जान ओ ऐ जाने जान तू है जिंदगी मेरी बंदगी तेरी सके की ना चिंता तो दुनिया कभी तेरी जिंदगी रंगीन है रंगों से भी ज्यादा शोक लगती हो रह के भी ज्यादा ले जाए के तुझको आपके तेरे बिना लगे ना बोला जिया रंग है तो रंगों से भी ज्यादा शोक लगती हो रह के भी ज्यादा एक बार चले आओ फिर आके चले जाओ तो तुम जाओगे ऐसे मून वॉक करते हुए वापस जाओगे यानी आइए जी कौन आएगा यहाँ से स्टार्ट होता है बिलाल से एंड होता है बिलाल से क्या बात है बिलाल साहब पैंट टाइट कर लिया आपने बेल्ट वेल्ट टाइट है चलिए जी आगे आइए थोड़ा लाइट में आइए थोड़ा टाइट कर लीजिए रेडी रेडी गो
प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे रब कोलो दिल जानी मंगना जरूर हाल लगाने मेरा दुनिया ने मारी ओ मेरे जित मेरे दिल दा सरूरे तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी होवे ओ लाल माइकल जैसे मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए साथी मुझे मिल गया मिल गया रस्मों को तोड़ेंगे दुनिया को छोड़ेंगे रस्मों को तोड़ेंगे दुनिया को छोड़ेंगे हमने किया फैसला ये क्या किया तुमने आखिर में हमने किया फैसला पे क्या था ये फैसला और रस्मों को तोड़ेंगे तो और दुनिया को कह रहा है दुनिया को छोड़ेंगे तोड़ेंगे थोड़ी दुनिया तोड़ दी तुमने यार बैठ जाओ तुम कौन आ गया यहाँ से मीर आ जाओ जल्दी से मीर आ गया रेडी अच्छा धोखा कभी हो जाता है तुम्हें बड़े धोखे हुए रेडी गो सजना सजना जात ना पी हूँ अब दीवाना सजना सजना जा सजना सजना जात ना पी हूँ अब दीवाना सजना सजना जा चलो भाई यहाँ से कौन आएगा बलाज सा बलाज आइए बलाज अच्छा एक मिनट आज इससे थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए ये तुम्हारे स्टेप्स में सीख गया हूँ आज कुछ ऐसा करो कि मैं सीख ना पाऊँ रेडी रेडी गो बात कहूँ दिल का इश्क ने हमको मारा तू सुर है मैं एक तारा तेरे इश्क ने हमको मारा एक बात कहूँ दिल का तेरे इश्क ने हमको मारा कुछ लड़कियाँ कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे सबसे सुस्त डांस करते हो तुम सबसे इनसे नहीं होगा कौन कह रहा है ये क्या तुमने कह रहा इनसे नहीं होगा जी, इनसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा हो गया मीर से तो अब आ जाए हुसैन साहब क्या हुआ आपके मोच आएगी चलिए मीर साहब दोबारा आ जाइए फिर आप आइए जल्दी से वैसे तुम इनमें सबसे बेहतर टोमी डांसर हो आ गया हो रेडी रेडी गो सुन बे बलोरी अखबा लिया ओ असा दिल तेरे नाल ला लिया हो तेरी मेहरबानी मेरे हाणी मेरा बन जा तेरी मेहरबानी मेरे हाणी मेरा बन जा हो सुन बे बलोरी अखबा लिया मस्त नजरों से अल्लाह बचाए मैं जवानों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए मैं जवानों से अल्लाह बचाए
बेला बचा कोई करके बहाना सानू मिन माही वे ये रात आ गया जानड़िया ये रात आ गया जानड़िया। देखते हैं चांदनी रात किसके पास आएगी। हाँ भाई कौन रह गया आपने? आएगा बिलाल। बिलाल आ रहे हैं, आ जाओ बिलाल। तो बिलाल है ना, फिर बिलाल आगे आइएगा। बिलाल तुम्हारे डांस को इतना पसंद किया जाता है, लोग फॉलो कर रहे हैं बकायदा, तो अब कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया सिखाते हैं आप। सही है, थोड़ा आगे आओ। रेडी, आज बिलाल नया डांस करने जा रहा है, रेडी गो। मेरी आंखों में समाई एक लड़की और मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। तुम तुम्हारे हुस्न का जलवा जो आप हो जाए, तुम्हारे हुस्न का जलवा जो आप हो जाए, जो भी देखे वही मेरे दाम हो जाए, तुम्हारे हुस्न का जलवा जो आप हो जाए। क्या पैंट में कुछ छुपकली घुस गई, क्या हुआ, क्या है, क्या कर, तुम बोरिंग कर रहे थे, क्या कर रही थी, कौन से स्टेप है भाई? बिलाल माइकल माइक 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 क्या कह रहे हो? माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन का था। कब किया माइकल ने? तो यार मैंने कॉपी किया है, मुझे समझ नहीं आया कि वो हुआ नहीं हुआ, लेकिन बट किया कब माइकल ने? ऐसे ही कुछ स्टेप किया था। इधर आओ, आओ, चलो माइकल जैक्सन हो जाओ। माइकल जैक्सन का एक स्टेप तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पर आओ। चलो हाथ हाथ कैसे करोगे? हाथ ऐसे करो, यहाँ रखो, सही है, और ये करना है। चलो रेडी, पूरा हिस्सा आगे निकलता है। देखो इधर देखो, ये हाथ गया यहाँ मेरे, देखो कैसे गया। रेडी हो? सही है, ये रखा तुमने हाथ, और ये वन टू। बेटा पेट बाहर आ जाएगा, नहीं करो कोशिश। बैठ जाओ, क्या कर रहे हो ये, तुम बैठ जाओ। चलिए जी, तीन हो गए यहाँ से भी, तीन हो गए यहाँ से भी। आप डिसाइड करने की बारी, मेरी टीम की बताइए सबसे एंटरटेनर कौन है इसमें? बासित ने नहीं किया, इसका दिमाग घूम रहा है आज। क्या क्या, तीन तीन हो गए, मेकअप दो दफा मीर और मेकअप दिमाग तक पहुंच गए। ओके, वो कह रहा तुम्हारा मेकअप दिमाग तक पहुंच गया, बैठ जाओ जी। अप्पी ओवर टू यू। चैंपियंस चैंपियंस एक वोट, ओके, टिकटॉकर्स एक वोट, शाबाश। Champions. Champions, दो वोट। Champions. Champions, तीन वोट। रियाज पटेल एक मिनट। हाँ रियाज, टिकटॉकर्स। अरे ये क्या हुआ, टिकटॉकर्स। थैंक यू जॉन भाई, टिकटॉकर्स। और इस तरह तीन वोट मिले चैंपियंस को, तीन वोट्स ही मिले हैं टिकटॉकर्स को, इसलिए तीन पॉइंट्स जाएंगे आपके साथ और तीन पॉइंट्स ही जाएंगे आप लोगों के साथ। चलो जी, ना एक मिनट आपको मिला, ना एक मिनट आपको मिला, बेहतर यही है दूसरा गेम खेलते। ले आ जल्दी ये दूसरा गेम, आ जाओ भाई। ये गेम आमिर ने कल खेला था और आमिर जीता था ये गेम। लाइए टॉस 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 टॉस, पहले बारी है रबीका की, नहीं इनकी बारी है। पक्की बात है, पक्की बात है, रो रहे थे ये टिकटॉकर्स। अरे टिकटॉकर्स और टॉस जीती है रबीका टिकटॉकर्स के लिए, इससे पहले आपकी टीम से कौन आएगा? आमिर आप आएंगे हमारी टीम में से, मैं जाऊंगा। आइए रेडी, एक मिनट का टाइम है आपके पास, पूरा एक पॉइंट का गेम है ये। आप लोग काफी आगे हैं पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त, लेकिन किस्मत बदलते देर नहीं लगती। रेडी गो। Oh,
टाइम अप आमिर, चार स्कोर किया है आज आपने, कल पांच किया था, आज स्कोर कम हो गया गाइस, सिर्फ पांच स्कोर करना है तुम लोगों ने जीतने के लिए। कौन आएगा? आ जाओ जल्दी से, एक मिनट का टाइम है पूरा। पांच क्या आप कुछ बताने आई हैं? अगर बताना है तो खुद खेल लो, अगर इतना ही तुम्हें पता है तो। रेडी हो? चलो मीर, कम ऑन, रेडी गो। उड़ते हो कहीं जुगनू के बैठी हो तितली कहीं, देखो तो हसी है ये, ना देखो तो कुछ भी नहीं। छह सात आठ स्कोर कर दिया मीर ने, इस तरह ये एक पॉइंट जाएगा टीम टिकटॉकर्स के साथ। आ जाओ भाई, हो जाए खुशियों का जश्न, हो जाए म्यूजिक के साथ। दुनिया तो प्यार मिले कोई दिल जान मिले आंदा सवाल गल बात दादा मेरे मेहमान मेरे लेना मैं नाल तेरे सौदा है पैनी मुलाकात दा लुटी है जमाल पाव लुटी है जमाल लुटी है जमाल पाव लुटी है जमाल बहुत आला, फिर से पूरा एक मिनट मिला है एक पॉइंट के साथ। खामोश, उड़ा दो। मैं बिलाल को कहना चाहूंगी थोड़े से बादाम भी खा लिया करें। वो छोड़ता ही नहीं होगा बादाम, थोड़े बादाम, बादाम उस पे बिल्कुल असर ही नहीं करते, इतने छोटे बादाम इतने बड़े जान। बिलाल की बोनी ऐसे लग रही है जैसे गधे की दुम काट दियो किसी ने। मनीष भाई, जब बिलाल स्टेप्स बताता है तो पेट अलग हिल रहा होता है, बाजू अलग, ऐसे लगता है चार पांच बंदे मिल के डांस कर रहे हैं। सब बिलाल के पीछे पड़ गए। देखा बिलाल? हाँ भाई। और जब बिलाल डांस कर रहा था उसका पोनी गधे की लगाम की तरह हो रहा था। और बिलाल जैसे लग रहा है जैसे गन्ना छील के रख दिया हो किसी ने सामने। लाल घर पे रह करो, बकरी दारी कोई रस्सी मांग के मंडी में ना खड़ी कर दे। सिद्रा ने छोटी बहन का पैंट पहना है। दानिश भाई, बिलाल मंडी की वो बैल है जिसके लोग दान देख के चले जाते हैं। अच्छा। उनको लगता है चार पांच लाख का बहुत अच्छा है, लेकिन उनको थोड़ी खसी वाला है। और बाकियों के दानिश भाई, ये फेयर नहीं, हम लोग छह हैं वो लोग सात हैं। कैसे? दो बिलाल। यार सब बिलाल तुम्हारे पीछे पड़ गया, छोड़ना नहीं इनको अगली बारी में। हाँ भाई, और बस आमिर ऐसा लग रहा है जैसे तंदूर में रोटी जल नहीं जाती, बिल्कुल वैसे शक्ल लग रही। और बाकी सिद्रा के बारे में, तूबा जी के बारे में, और नहीं, कुछ नहीं बोलना है इन्हें दानिश भाई। अच्छा चलो, टाइम अप गाइस, आइए जल्दी से नेक्स्ट गेम खेलेंगे, जल्दी से आ जाओ। ओके, ये गेम कल बराबर हुआ था, पांच स्कोर किया था शाहताज ने, वहीं पांच स्कोर किया था अभिया ने, लेकिन शाहताज का एक स्कोर ज्यादा हो जाता, लेकिन वो इनका जो ब्रश था वो गिर गया था। आज देखते हैं, लाइए टॉस टॉस टॉस, जल्दी से मुझे कॉइन चाहिए। और आमिर साहब से कुछ खिलाते हैं, हरीम से खिलाएंगे, कुछ क्यों नहीं खिलाएंगे, चैंपियंस चैंपियंस। टिकटॉकर आमिर का दूसरा टॉस है जो आमिर आ रहा है, ये फिर से टॉस हार गए चैंपियंस आज, और टॉस आप लोग जीते हैं, इसलिए पहले आपकी टीम से कौन आएगा बताइए। अबिया आ जाओ, अबिया बाल बाद में सेट करना, पहले आगे गेम खेलो, बाल खराब हो जाएंगे तुम्हारे। चलो भाई इसको सही करके रखो, कहाँ रखना होता है। एक टाइम है, हरीम आज तूबा को चैलेंज कर रही है कि तूबा के साथ मेरा मुकाबला होना चाहिए। हैं? तूबा को वो बहुत चैलेंज कर रही है भाई, वो वहाँ से कह रही है तूबा मर्जी चैलेंज कर रही है, डर रही हो, चैंपियंस डरते हैं, चैंपियंस डर जाते हैं, जाओ मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही। रेडी रेडी गो। जिसे दिल में समाया नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, पूजा जिसे जहाज से दिल में समाया नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। चलो 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 च
नहीं मिला आज, अभिया नहीं मिला आज। आओ भाई कौन आएगा हराने? तीन स्कोर किया है अभिया ने, चार स्कोर करेंगे पॉइंट आएगा। कौन आएगा? अरे हरीम का डेब्यू होने वाला है, उसको बिचारी को आने दो तो, पहला गेम तो खेल लो तुम लोग और उसको कंफ्यूज कर दो। अच्छा गेम समझ में आ गया है आपको? आप बिल्कुल पहन लीजिए, गेम समझ में आ गया है। चलो चार स्कोर करना है सिर्फ, रेडी गो। और हरीम ने कर दिखाया, डेब्यू में छक्का मारा है, चार स्कोर करके ये एक पॉइंट जाएगा टीम टिकटॉकर्स के साथ। हो जाए जल्दी से आ जाओ, बाद में बोलो। चुप हो जाओ। कभी कभी मुझे लगता है मैं बाकी 24 साल का हूँ। दानिश भाई मुझे लगता है नहीं, आप खामोश बैठे, मैं भी आप खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश। खामोश बोलो, नहीं इसके बाद बोलोगे तुम, एक मिनट है पूरा आपके पास, खामोश फिर से उड़ा दो। मैं दुबा को कहना चाहता हूँ अपना मुंह दे दो, घर में बच्चों को डराना है हमें। और हमारे घर में तकिया नहीं, आमिर प्लीज चलो। अभी आप अपने अंदर चेंज लाओ, बिल्कुल वैसी आके बैठ जाती है, ऐसा लगता है घर से मुंह धोकर आई। तो घर से सब मुंह धोकर आते हैं, बस दुबा ने अपने पैंट में एसी लगवाया, एक ही जींस वही ब्लैक, इतने दिनों से देख रही हूँ मैं। ओ माय गॉड, मतलब तुम इतना नोटिस करती हो? बिल्कुल सबको नोटिस करती हूं। ओफो, अच्छा जी और किसने बोला है? शादाज हुसैन, लाल का मुंह ऐसा लग रहा है आटा घूमते ना पहले, उसके बाद जो निकलता है। तूबा का तो ऐसा लगता है कि वो अपना सारा मेकअप एक ही टाइम पे करके आती हैं। क्या अलग अलग करते हैं? अभी हाँ मेकअप एक ही दफा कर देती हैं। अच्छा। अभी हाँ आपको मेरी नाक मुंह हंसने से बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कहना चाहूंगी आपके दांत ऐसे जैसे कॉकरोच के अंडों पे व्हाइट पॉलिश करके रख लिया। कॉकरोच के अंडे कहाँ देखे तुमने? कॉकरोच के अंडे होते हैं ना छोटे छोटे से, कॉकरोच को इतना बड़ा होता है अंडे? दानिश भाई वो सामने है ना, कहाँ पे ये? इसके बारे में तुम्हें कुछ कह नहीं सकता भाई। हाँ हो गया, सबने बोल दिया, दिल की भड़ास निकल गई, टाइम अप, आओ नेक्स्ट गेम खेलेंगे। उससे पहले जरा दिखाइए मुझे स्कोर कार्ड, दोनों टीम्स के पॉइंट्स कितने कितने हो गए हैं अभी तक। जी चैंपियंस के हैं इस वक्त 10 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स हो गए हैं, बिल आखिर तुम लोगों के कुछ तो पॉइंट्स आए। नेक्स्ट गेम है जी आज की पोटली, याद रहे ये 3 पॉइंट्स का गेम है, या फिर मैं यूं कहूं ये सिर्फ किस्मत का गेम है। लाइए जिसकी किस्मत अच्छी होती है पोटली यहां से वही जीत के जाता है। याद रहे पहले टॉस होगा, टॉस जीतना बड़ा क्रूशियल है। चुप भैया तुम्हारी बारी नहीं है, बारी है रबीका की। रबीका बताओ क्या है? टिकटॉकर्स। एक ही बात है? बिल्कुल सही बोला तुमने, टिकटॉकर्स। और दोबारा से टिकटॉकर्स ने आज फिर से बाजी मारी। आइए जी टॉस के अंदर ये गार आपका इंतजार कर रहा है, कोई भी 3 प्लेयर्स चाहिए मुझे, आ जाओ। माइक किसके पास है? बोल जा सिम सिम, लहराते हुए बोल जा सिम सिम। चलो भाई बोल जाओ, बोल जा, बोल जा सिम सिम। जाइए पूरी 9 पोटलियां है, कोई भी एक ले आइए। बिलागर नंबर 2 पे वापसी हुई है रबीका की, और अब गई है हरीम नंबर 9, नंबर 2 नंबर 9, और ये 9 तो 11 ना हो जाओ तुम लोग। और अब हुसैन गए हैं जनाब सोच समझ के, ये 9 ये 2, तुम 11 ले आओ, 9 2 11, 9 2 3, आ जाओ भाई आ जाओ। चैंपियंस आमिर, आमिर
नहीं पहले बातें कर लें, कल खेल लेंगे। नहीं कोई, अरे अरे हम तो खेलते रहेंगे, पहले बातें कर लेते हैं यार। तीसरा कौन है? चलो भाई माइक का है तुम दोनों की। अरे माइक, अरे 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 आमिर सुन यार, सुन चल रहा है आज ये। चलो जल्दी से बोल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। इनका कुछ नहीं होने वाला भाई। चलो भाई आमिर गए हैं सबसे पहले टीम चैंपियंस की तरफ से पोटलियां ढूंढने अंदर, और ये अपनी कुछ कैलकुलेशन से रोज गलत करके आ रहे हैं। आज ना करे, क्या नंबर है तुम्हारा? नंबर वन। जाओ भाई बलाज। बलाज ना है पोटी नंबर पांच, और आप गए हैं चैंपियन हो गए चैंपियन, बिलाल चैंपियन। इनके लिए सिर्फ तीन पोट, चार पोटलियां। अरे कौन है यार, मजा उस दिन है तुम इसकी तरफ हाथ लेके जाओ, तुम्हारा हाथ पकड़ ले। चलो आ जाओ, पोटली नंबर सात लेकर आए बिलाल साहब टीम चैंपियंस के लिए। शुरू करते हैं आज का गेम, देखते हैं ये तीन पॉइंट्स किसकी किस्मत में लिखे हैं। जिसकी किस्मत में आज का ये गेम जीतना होगा उसकी किस्मत में ही होंगे, क्योंकि ये गेम है ही किस्मत वालों का। आइए शुरू करते हैं आज का पहला, आज की पहली पोटली है जो मैं ओपन करूंगा बलाज की। लेकर आइए भाई बलाज, लेकर आए पोटली नंबर पांच, पीले कलर की पोटली है। क्या लगता है सिद्रा पोटली में कितने पैसे? 6 to 8 lakh। तुबा पहले आराम से बातें कर लेते हैं, हम खेल कर लेंगे, बातें ज्यादा जरूरी होती हैं। हाँ जी बताइएगा। 6 to 8 lakhs बोले हैं सिद्रा ने। 9 to 10 lakhs। 9 to 10 lakhs प्लस में, प्लस में मासूम। हाँ भाई बताइए, आपके माइक है? होप सो। 6 lakhs। 6 lakhs जी बताइए। अभी हाज 7 लाख प्लस में। आमिर साहब मुझे लगता है 1 से 1 लाख है यहाँ, तो फिर पीछे माइनस में नंबर 5। ना एक होगा ना माइनस में होगा फॉर श्योर। बताओ। आई थिंक सो 4 to 450। तो है नहीं हमारे, अच्छा 4.5 लाख नहीं है? नहीं नहीं हमारे पास नहीं है। ओके 4 to 5 4 lakhs। 4 lakhs तुम्हारे पास क्या होगा? क्या तुम्हारे पास पोटली में क्या है? मुझसे कम होंगे जो भी होंगे। मेरे पास पोटली में आज गारंटी 10 lakhs हैं, क्योंकि मुझे आगे निकलना है। 10 lakh मेरी में, ये मैंने ऐसा किया कि क्या पता अल्लाह ताला का मौजदा हो जाए और चेंज हो जाए। तो एक रूहानियत का भी ताल्लुक होता है ना जी, किससे? कैलकुलेशन टाइप होता है हमारा। तुम्हारे पोटली को ऐसे रखने से रूहानियत का क्या ताल्लुक है भाई? क्या ये मेरा अंदाजा लगता है जी, तो उससे बड़े गलत गलत अंदाजे। मैं जल्दी से पोटी नंबर पांच ओपन करता हूं जो बलाज लेकर आए टीम चैंपियंस के लिए। और हरीम क्या लगता है तुम्हें क्या है इसमें? -6 lakhs। याद रहे आज तुम लोग पहले गए हो घर के अंदर। क्या लगता है तुम्हें शाताज? +10 lakh। कभी कभी दुआएं कबूल हो जाती? नहीं आज नहीं होगी। अच्छा, और अगर हो गई है तो? अच्छा बोलना शादाज जाब। अच्छा ही बोला है मोटे। अरे बॉडी शेमिंग और कुछ आता नहीं है आप लोगों को क्या? आइए जी। अच्छा बस भाई, हाँ जू में ऐसे लोग रखते हैं सांप संभालने के लिए। बालू वाली सरकार खामोश रहो आप, बालू वाली सरकार अजीब से पीर फकीर बन के आ जाते हैं यहाँ पे लोग। फकीर तो तुम लग रहे हो। आप तो बोलो ही नहीं सूखी हड्डी। चलो भाई मैं बताता हूँ, ये पांच नंबर पोटली आज बलाज लेकर आए टीम चैंपियंस के लिए। कल तक बलाज, कल और परसों बलाज ने जो भी कुछ बोला गेम चेंजर में निकला भाई। बलाज ने आज बोला कि इस पोटली में 7 लाख है। 7 लाख बोले थे? 9 to 10 lakhs। 9 to 10 lakhs बोले हैं बलाज ने कि इस पोटली के अंदर है। लेकिन बलाज हर रोज जो तुम बोलते हो वो सही तो नहीं हो सकता ना। बात सुकात 7 लाख आपने बोले थे? नहीं करे, 7 लाख नहीं है इसमें। और यहां से किसने बोले थे -3 लाख? -3 लाख किसी ने बोले थे? मैंने नहीं बोला था। हाँ मुझे पता है। पक्की बात है आपने बोले थे? हरीम ने बोला -6 लाख। तो फिर चैंपियंस की पोटली में माइनस नहीं, पूरे 10 लाख प्लस 10 लाख। क्या बात है यार बलाज, बहुत आला जनाब, बहुत आला। पहले
पहले टीम टिकटॉकर्स गई है जबकि आज घर के अंदर, लेकिन 10 लाख किस्मत में निकले बालाज की। वेल डन बालाज। ये बालाज को सब कुछ कैसे पता होता है रोज? बालाज का कोई रूहानियत का ताल्लुक है भाई, पर्ची है ये, किसकी हो ही नहीं सकती, तुम्हारा ही कजन है, दोनों एक ही घर में जाते हो तुम लोग, फिर तुम्हें नहीं पता होगा। है तो मेरा भाई, कुछ रूहानी ताल्लुकात भी होते हैं। ये बात बिल्कुल होते है जनाब। दादी भाई मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हो सकता है कि बालाज में मेरी रूहानियत ट्रांसफर हो गई है, 10 लाख इसके अंदर थे उसके अंदर निकल गए, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई, हो सकता है रूहानियत इनके पास चली गई। सफेरा मतलब हुआ आप लोगों की मैथमेटिक्स कमजोर है, ये खामोश रहते हैं तो इसलिए वहां चली गई। हो सकता है कि इनका जो किस्मत अच्छा हो हमसे, इनके मैग्नेट लगा हुआ है, तुम्हारी रूहानियत खींच ली इन्होंने। हे किस्मत कनेक्शन, किस्मत कनेक्शन हो सकता है, आपका किस्मत कनेक्शन यहाँ चला गया है। हाँ हो सकता है। बिलाल ने कहा था हम तीनों में से बस 10 लाख निकलने चाहिए और इसकी बात सही हो गई। ओके बिलाल ने कहा था ये? हाँ मैंने कहा था 10 लाख होम। चुपके से बोला था, हमें तो नहीं बोला तुमने ये? नहीं, वो आमिर और मेरी सीक्रेट बातें होती है ना। अच्छा ये सीक्रेट बातें हैं तुम्हारी, हर बातें ऑन स्क्रीन हो नहीं सकती। चुप रहे तू, चुप रहे। हाँ भाई नेक्स्ट बारी है, रबीका जी लेकर आई थी पोर्टली नंबर 2, जरा लेकर आओ। ये सबसे पहले गई थी घर में, अब मैं बताता हूँ, इनको लग ही रहा था कि आज तो 10 लाख यार निकला ही निकला है ना। अरीम क्या लगता है तुम्हें? 7 लाख प्लस में, प्लस में। हाय मासूम। हाँ भाई हुसैन क्या लगता है? 5 लाख प्लस में। रबीका 9 लाख प्लस में। ओके जी, मुझे भी लगता है 9 लाख। 9 लाख सही है जी। शाहताज मैंने कहा था, देखो मैंने कहा था कभी कभी दुआएं कबूल हो जाती, तुमने बोला प्लस 10 लाख, प्लस 10 लाख निकला है, -10 लाख दुआएं कबूल हो जाती है। अच्छा बताओ, 8 लाख प्लस में, ठीक है यहाँ से पूछूंगा मैं तूबा से। हाँ बोलो क्या देखना है तुमने? पोर्टली देखने। क्या देखना है तुमने? मैं देख बताऊंगा ना, बैठो जाके वहां पर। क्यों परेशान है बेचारा? परेशान हूँ मैं, क्या निकल ले जाएगा? -10 लाख। तूबा चाहती है कि रबीका की पोटली में -10 लाख निकले। इसके अंदर होंगे गोलगप्पे या फिर बैड होगा। गोलगप्पे आए तो चुप करके बैठो, उससे कहीं ज्यादा है इसमें। -9 लाख बोले थे इसके अंदर होंगे सर जी, छुआरे होंगे, छुआरे छुआरे होंगे। अच्छा जी यहाँ से आपने क्या बोला? छुआरे की गुटली की तरह से तो आप छुआरे होंगे, छुआरे आपकी पोटली में। मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया रबीका, क्या हो गया बोलिए, मेरी छुआरे होंगे तो निकल गए, तो रबीका का इसमें क्या कसूर है? अंदर छुआरे हैं, अगर छुआरे निकल आए तो तुम्हारी शादी हम यहीं करा देंगे। वो कह रही है अगर छुआरे निकल आए तुम्हारी शादी यहीं करा देंगे हम। क्या हो गया आप? बलोच को बुलाना पड़ेगा। रबीका इतनी प्यारी है, बिलाल उसको कुछ बोल नहीं पड़ेगा, कहाँ ढूंढते फिरेंगे यार से। किसी बात क्यों करते हो, बस करते हो यार। चलो भाई चलो आओ बता दो, पोटली नंबर 2 लेकर आई रबीका, सबसे पहले गई थी ये घर के अंदर, और सारे टीम मेट्स को लग रहा है कि प्लस में 9 लाख या 8 लाख या 7 लाख रुपए है, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर टिकटॉकर्स में ऐसी है जिन्होंने इससे पहले प्रिडिक्ट किया कि बालाज की पोटली में 10 लाख रुपए होंगे और 10 लाख निकला है। दूसरी पोटली पे उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि -9 लाख रुपए होंगे, और शाहताज मैंने तुमको बोला था कि कभी कभी दुआएं कबूल हो जाती हैं, -9 लाख। ओ माइनस, तुम लोग जो भी कह रहे हो कुछ नहीं निकल रहा, सिर्फ शाहताज जो कह रही है पोटली में वही निकले जा रहा है। असल में मैंने जान बूझ के बालाज के लिए बोला था कि 1 लाख या माइनस में होगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है, जब से मैं बोल रहा हूँ ना उल्टा हो रहा है, तो उल्टा ही हुआ। आमिर मुझे हर जगह शाहताज की बात अलग है, वो जो कहती है सच हो जाता है। हाय अल्लाह, अब शाहताज की बात सच होने लगी, पहले मदिया की बात सच हो रही थी। बिलाल को आई था अच्छा लगता, जो बोलती ज्यादा सच हो जाता है, तो अच्छी बात। शाहताज इसकी बहन है। बहन है तुम्हारी ना? जी जी मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन है। छोटी से बड़े भाई डोरे डालने लगते हैं बिलाल तो। और आमिर ने तो आज फूल दिए इसको। क्या आमिर ने मुझे बुके लाए? बुके लाए, बुके बुके लाए नहीं, दोस्ती 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 का हाल मेरा। ऑल कैमरा फेस करो इसके एक्सप्रेशन। आमिर पे कैमरा रखे, बड़े एक्सप्रेशन। आमिर को कैमरे पे, आमिर का कैमरा दिखाइए, आमिर को क्लोज दिखाइए। बिलाल की बहन को ये पता ना चाहता हूं, हम हमारी दोस्ती में कुछ भी नहीं दिया, दोस्ती नहीं की ना इसके साथ।
कंजूस, एक चॉकलेट तक नहीं खिलाई, ऐसे हमने खिलाया इसे हमेशा। नहीं मैं इनको कोई दोस्त नहीं है हमारा। आमिर मतलब आपने बुके दिया है आज, मेरी बहन को बुके दे दिया, शर्म कर। और मजे की बात, बुके देके बताया भी किसको, उनको जो सबको बता देंगे। दानिश भाई इनकी दोस्ती देखो, रूम में सबके सामने दिया है बुके। दानिश भाई इनकी दोस्ती देखो, आमिर ने बिलाल की बहन को फूल दे दिए। आइए जी नेक्स्ट पोटली ओपन करूंगा मैं, आमिर की लेकर आइए, आमिर लेकर आए पोटली नंबर एक। अभी तक मुकाबला 10 लाख और माइनस 9 लाख का है, 19 लाख रुपए का फर्क है। 10 लाख पर है तो चैंपियंस, माइनस 9 लाख रुपए निकले हैं आप लोगों की पहली पोटली में। अब देखता हूं पोटली नंबर एक में क्या कारनामा है जो आमिर लेकर आए हैं टीम चैंपियंस के लिए। हाँ जी सिद्रा, क्या है पोटली में आमिर लेकर आए नंबर वन? इसके अंदर है प्यार भला बुके, बुके भला, प्यार भरा बुके, 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 बुके बुके फूल रोज बुके। ओके इन बिटवीन 4 to 6 lakhs। ओके जी बालाज, 2 to 3 lakhs। ओके आतुबा, माइनस 10 lakh। और दो दूसरों को फूल जाके तुम। हाँ भैया अंडे निकलेंगे या गोलगप्पे पर? आमिर तुम्हें खुद क्या लगता है? 7 lakh है। 7 lakh है। ओके इसके अंदर है 3 lakh। 3 lakh है। 3 lakh और छुआरे साथ में है। क्यों तुम्हारी शादी हुई है? डालने आमिर ने डाले इसके अंदर छुआरे। नहीं तो तुम्हारी शादी हुई तो छुआरे डाले। मेरी शादी क्यों होगी, मैं तो छोटा सा हूँ। आप अभी तुमने कहा बड़ा हूँ मैं, मैं तो छोटा सा हूँ अभी, क्या हो ना ये छोटा आदमी है ये, मैं सर छोटा सा हूँ। चलो गाइस यहाँ से पूछूंगा मैं सिर्फ मीर से, मीर कितना अमाउंट है? -7 lakh। -7 lakh, 8 lakh। चलो बताता हूँ क्या है इसमें। तुम लोगों का स्टार्ट बहुत बुरा हुआ है, उसी तरह चैंपियंस का स्टार्ट शानदार हुआ है। और इस पोटली को ओपन करने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि वो जो आगाज था 10 लाख रुपए का, जो कि शानदार आगाज दिया था पलाज ने, आमिर तुम्हारी वजह से वो 10 लाख रुपए नहीं रहे और वो हो गए 18 लाख। 8 लाख प्लस में निकले, 18 लाख रुपए अकाउंट में आ गए हैं इनके। तुम लोग हो -9 lakh पे, जबकि तुम लोग पहले गए थे घर के अंदर। चलिए नेक्स्ट पोटली ओपन करना चाहूंगा मैं हरीम की, लेकर आइए जी हरीम। लाई थी पोटली नंबर 9, 18 लाख रुपए पे हैं आप लोग। अभी तक बड़ी विन विन सिचुएशन है, बहुत दूर हैं ये लोग, इन लोगों को बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। खैर मैं देखता हूँ, हार गए लोग तो। अभी से कह रहे हो हार गए? हाँ पक्की बात है। हाँ पक्की बात, अभी देखते हैं क्या होता है ये 9 नंबर पोटली में। और बिलाल कहा के हार गए, छुआरे होंगे, छुआरे छुआरे। क्या लगता है अब्दुल बादशाह? इसके अंदर छुआरे हैं, छुआरे। -8 lakh। चलो सोच समझ के बोलना तुम। वो निकल गए, वो तो निकल गए, 9 lakh निकल गए, वो भी निकल गए। और जाताज ने फिर बोला कि माइनस में कम जी, बताइए 7 lakh नहीं निकले तो 7 lakh ही होंगे। 7 lakh होंगे। चलिए जी मुझे लग रहा है -7 lakh। तुम्हारे नहीं, तुम्हारे माइनस में निकले तो इनके भी माइनस में निकला है ना? वो नहीं नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको, बताइए जी। 2 lakh प्लस में। हाँ भाई प्लस में ही होगा जो भी होगा। 1 lakh नहीं, 5 lakh। 5 lakh प्लस। चलिए जी यहाँ से पूछना चाहूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ बालाज से। बालाज बताओ 9 नंबर पोटली में कितना अमाउंट है आज? अच्छा 5 lakh होंगे इसमें प्लस में जी। अच्छा और आमिर तुम्हारी कैलकुलेशन क्या है? सर कौन सा नंबर है? नंबर 9। 9 नंबर है इसमें, 3 है, 3 lakh प्लस में। आमिर ने जो बोला अभी तक पूरा तो नहीं हो रहा, मैं देख ही लेता हूँ कि इसमें 3 lakh है या नहीं। आमिर साहब लगता है किस्मत तुम्हारी तरफ पलट के वापस आ रही है। आमिर ने बोला कि 3 lakh होंगे 9 नंबर पोटली में, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। -9 और -7 नहीं, पूरे प्लस में 8 lakh। प्लस 8, खुशी नहीं हुई तुम लोगों को? नहीं इसने माइनस बोला था इस बार। प्लस 8 लाख के साथ इनका ग्रैंड टोटल हो गया है जी -1 lakh।
आप लोग हैं 18 लाख रुपए पे। अब दुआ ये करो जो पोटली बिलाल लेकर आया है उसमें माइनस 10 लाख रुपए ना निकले। आ गए भाई बिलाल साहब, खुद लेकर आते हैं पोटली, लाइए बिलाल साहब। अभी तक आपके बगैर आपकी टीम जीत रही है। बोरी वाले बाबू आ गए। अब मैं देखना चाहूंगा कि आप अपनी टीम को हराने में इसके अंदर नहीं, आज अच्छा होना चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर इल्जाम लगता है कि सबसे ज्यादा माइनस के अमाउंट में लाया, तो आज होप सो छोटा अमाउंट है लेकिन हो अच्छा हो, प्लस में हो माइनस में ना। देखो 10 लाख निकले बलाज के, 8 लाख निकले आमिर के, अब तुम्हारे 9 लाख निकलेंगे तो तुम आमिर जीतोगे। इसने जो रूहानियत मांगी है उल्टी हो गई है, इसमें माइनस आ गया। ओके आमिर हर बार दे रही है। सिद्रा कितना अमाउंट है यार? ये तो गलत बात है आमिर यार, हर बार तेरे में माइक दीजिए, माइक दीजिए, जल्दी माइक दीजिए। देखना तो उल्टा जा रहा है ना, जब से आया है कि कुछ माइनस में होगा, पर मैं चाहती हूं कुछ पॉजिटिव हो। चलिए बलाज, उल्टा नहीं बोल, स्क्रीन पे अच्छा नहीं आता, अच्छा होगा इसमें। सीधा सीधा बोलो, सीधा 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 ऊपर जाना है। सुबह आज ही बोलना है, सुबह कल का कल खेलेंगे। सुबह अच्छा बोलिएगा। सुबह क्या कितना अमाउंट होगा? 1 लाख प्लस में। अभी बिलाल की पोटली है तो बिलाल की तरह तगड़ा अमाउंट होगा इसके अंदर। 25 लाख, 7 लाख, 7 लाख। बिलाल तुम्हें खुद क्या लगता है कितना अमाउंट है इसमें? मुझे खुद लग रहा है कि 9 लाख। नहीं सर, -3 है। अबे तू दुआ ही क्यों मांगता है माइनस की यार, ये तो गलत बात है। मेरे से नहीं किया करो, नहीं किया करो इसे यार, नहीं किया करो बस। चुप चुप रहे तू, चुप रहे, चुप रहे तू, चुप रहे। हाँ भाई हुसैन, कितना अमाउंट निकला? हुसैन छुआरे जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है, कुछ बोल भी लो। मैं बताता हूँ अभी छुआरे जैसा मुंह किसका होने वाला है। देख के बाहर बैठने वाले हो। ओ भाई सूखी हड्डी झाड़ू वाली वीडियो तुम बनाते हो, इसलिए फेमस हुए तो खामोश रहो, ठीक है ना? झाड़ू वाली वीडियो अच्छा बोलना मेरे लिए, गलत नहीं बोलिएगा, ठीक है ना? गुब्बारे जैसे टिकटॉक पे करके दिखा, करके दिखा बिलाल, तू इसे अच्छा कर सकता है। क्या कर रहा था बिलाल, बताओ क्या कर रहा था? यार ये पता नहीं, वो ऑन स्क्रीन अच्छा नहीं आएगा ना। क्या किया गया था, ऐसा क्या किया था? वो सोशल मीडिया की चीज है, कोई वीडियो थी अपिकन खान जैसे, वो कपड़ा लेके अपने डांस करते हैं उसको। आप भी करते हैं अक्सर वो वाला डांस? अच्छा एक मिनट, इनके बारे में आप बलोच बलोच क्या कहते रहते हैं, क्या हुआ था इनका, कोई ऑडिशन था ऐसा? यार बलोच वाली बात को नहीं छेड़ना, 4 घंटे तक गुदगुदी करवा रहे हो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि गुदगुदी, अगर मैं इसको अगर 1 मिनट भी करूँ और ये हंस ना जाए ना तो मेरे अपना नाम बदल दूंगा। सही है, लेकिन क्या तुम 4 घंटे तक गुदगुदी? 4 घंटे तक गुदगुदी नहीं हुई थी, मैं यूँ खड़ा रहा था, वकार भाई ने मुझे पनिश दी थी। 4 घंटे तक गुदगुदी नहीं हुई, पता नहीं क्या बोले थे, गंदी हरकत नहीं करो क्या? हाँ तो वो बॉडी पार्ट को 4 घंटे तक गंदी हरकत गुदगुदी तो बॉडी लड़की थी, बाकी सारी दानिश सर ये बार बार बोलते रहते हैं बलोच बलोच बलोच, तो ये उसको गंदे सेंस में लेके जा रहे ना, हमने तो पेशेंस टेस्ट देखा है, वो और वो ना उनको टास्क दिया था कि आपको गुदगुदी करेंगे और आपको हंसना नहीं। ओके तो ये बिलाल हंसा नहीं, नहीं वो ऐसे ही स्टिल रहा था। अच्छा और आपने क्या किया था? बिलाल लाने आए हो क्या? ये करके दिखाई, बिलाल लाने आए हो क्या? मैं आपको बता दूं, हुसैन जो झाड़ू लगाने वाले जो स्टेप करते हैं, ये पोचा है, ये पोचा है, बिलाल की कॉपी। हुसैन आप डायपर पहन के क्या कर रहे थे टिकटॉक वीडियो में? तौलिया गंदा कर दिया इसने, इनको देखते हैं 4-4 मिलियन, तो आपके देखने वाले भी बेवकूफ हैं जो कि झाड़ू वाले स्टेप पे 4-4 मिलियन दे रहे हैं आपको। 4-4 मिलियन कितने खुश हो रहे हैं, तुम तो देखो ये तुम वॉशरूम में करा करो ऐसे स्टेप। लेकिन अच्छा बस बस आप पर्सनल ना हो भाई, ये शो क्या हो गया, बच्चों वाली बातें, बच्चों वाली बातें नहीं करो यार, बच्चों वाली प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल बनो। छोड़ो गलती कर दी बहस करके, अपना नाम ही खराब कर दिया यार हम लोग। बिलाल तू कम हो जाएगा, तू कम हो जाएगा, माइक बंद हो गया। अच्छा जी मैं बताता हूँ जल्दी से, पोटली नंबर 7 लेकर आए थे बिलाल, 10 लाख रुपए लाए बलाच, 8 लाख रुपए लेकर आए आमिर, और बिलाल चाह रहे थे कि 9 लाख रुपए निकल आए। बाज़ुकात इंसान जो चाहता है बिलाल वो वाकई क्या, मैं तो अच्छा बताओ यार जरा, मैं कह रहा हूँ बाज़ुकात इंसान जो कुछ चाहता है वो वाकई पूरा हो जाता है, बिलाल के साथ पूरा नहीं हुआ। -8 लाख, -8 लाख रुपए, और इस तरह इनका ग्रैंड टोटल हो गया 10 लाख रुपए, 10, 8, -8। बैठ जाओ। आहा, क्या हो रहा है? तमीजी नहीं। बिलाल, बिलाल, बिलाल,
स्टे इन योर लिमिट्स कैप्टन. 10 लाख रुपए प्लस में थे. सबसे पहले बलाज लेकर आए चैंपियंस के लिए, फिर प्लस में लेकर आए आमिर, और माइनस 8 करवाया बिलाल ने. इस तरह तुम लोगों का टोटल हो गया है 10 लाख रुपए. अब आज की आखिरी पोटली है, लाइए भाई हुसैन साहब लेकर आए थे पोटली नंबर 3. याद रहे, सिर्फ याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि आज टॉस जीते थे टिकटॉकर्स और गार में पहले टिकटॉकर्स गए थे, तो इनके पास ज्यादा ऑप्शन थे आज जीतने के. और ये किसकी पोटली है? ये हुसैन की पोटली. देखो क्या निकला. इसके अंदर है बासी गोलगप्पे. बासी आपसे नहीं पूछा बिलाल भाई, किसी ने नहीं पूछा. खराब हो गई नहीं? एक मिनट, अगर बासी गोलगप्पे भी निकले तो कम से कम माइनस 8 लाख से तो अच्छे होंगे. दानिश सर, हाँ जी बताइए. अभी प्लस 2 पर है ना? ये लोग हैं जी. हुसैन बहुत ज्यादा मीठा है ना, तो 2 किलो मिठाई होगी इसके उसके अंदर. 2 किलो मिठाई होगी. 2 किलो मिठाई होगी. सब खाएंगे, सब खिलाएंगे. गुलाब जामुन होंगे. गुलाब जामुन 2 किलो में से तकरीबन 2.5 किलो तुम खा जाओगे. 2 किलो में से तकरीबन 2.5 किलो तुम खा जाओगे. यार रवि का आप क्यों अटेंशन लेती हो मेरे नाम पे? यार आपको मैंने कुछ खाया है क्या? आप फेक बनती हो, इतनी अच्छी बनती हो, यूं बैठे रहती हो. इनका कैमरा भी मेरी तरफ कर लो, कैमरा भी ना दिखाए इनको. ये बस यहाँ दिखा दें कि आप बैठे हुए, इनको सिर्फ लॉन्ग शॉट में दिखाएंगे. अब कैमरा इन पे नहीं जाना चाहिए. और आज की आखिरी पोटली हुसैन लेकर आए. अगर ऐसी ही पोटलियां तुम्हारे बाकी टीममेट्स भी ले आते तो शायद तुम जीत जाते प्लस 6 लाख. आप लोगों का ग्रैंड टोटल रह गया प्लस 5 लाख, लेकिन टीम चैंपियंस का ग्रैंड टोटल हुआ पूरे 10 लाख. इस तरह ये 3 पॉइंट जाएंगे फिर से टीम चैंपियंस के साथ. आइए अब बारी आइए, अब कैमरा दिखाए इनको. ये है हमारे डांसर बिलाल साहब, हो जाए रेडी गो. मैं नील कराया नील का मेरा मन मन नीला नीला है. बताइए गाना क्या है? मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी. तुम हुसैन को बोले जा रहे हो हैं? दानिश भाई हाँ, मुझे लगता है बिलाल ने धागे बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया होगा. अच्छा बात अभी तुमने नहीं करनी, अब बताएगा बिलाल ने कहाँ कहाँ काम किया है. बोल बोल. तुम सब ने मिलके बिलाल को सबसे ज्यादा बोला था पूरे 1.5 मिनट है. खामोश, उड़ा दो. मैं शहदाश को बोलना चाहूंगा यार, कब तक वो स्टाइल अपनाऊंगी? ऊपर वाला अम्मा वाला कुछ चेंज करके आ जाओ. ठीक है बासित, बालों वाली सरकार, यहाँ कोई पीर फकीरी का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा. ठीक है अपने बालों में स्टाइल है, और कभी आप मेरी मारते हो कि मेकअप करा के आ जाऊँ, शो ऑफ करते हो. और भाई बोलने वाले तोते, आप तो कोई खामोश ही रहो. ठीक है ना, अभी अजीब से कार्टून लग रहे हो. रवि का आप अच्छी बनती हो, और हुसैन तो है कार्टून, चिपकली, सूखी हड्डी. और हरीम जो है वो उसको मौका देते नहीं, आप लोग खेलने का. आज मौका दिया तो कैसे इन्होंने जितवाया. बाकी आमिर बोलेंगे. इसने बातों बातों में तारीफ कर दी हरीम की, बातों बातों में तारीफ कर दी इसने हरीम की, नई लड़की की. हाँ नेक्स्ट कपड़न फौरन बताइए. हाँ भाई बताइए. ये शाता जब बस्ती है ना, पूरा निज़ाम निज़ाम नज़र आ जाता है उनका थोड़ा सा. क्या यानी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इनका नजर आ जाता है जब ये हंसती है इतना मुंह खोल. आपकी आंखों में एक्सरे लगे हुए भाई? नहीं वो बहुत ज्यादा मुंह खोल लेती है. अच्छा पता नहीं, हमने गौर नहीं किया. बताइए. छोटी चूजी मुझे बोल रही थी कि मैं जोकर लगूंगी, नाक पे कुछ ब्लैक ब्लैक कर लूं. तो आप लोग को पता होना चाहिए यार कि आजकल का मेकअप कैसा चल रहा है, कपड़े कैसे चल रहे हैं. अब आप लोग पेंडू है, हर कोई आप लोग की तरह पेंडू तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है. आपको ऐसे ही बंदा एक फूक मारे, आप पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगी. आप मुझसे पंगा लेने आई है? एक मिनट तुबा, तुम फूक मारोगी तो वो कहाँ गिरेगी? तुम दोनों 19-20 तो नहीं. तुबा मैं जान बहुत है, तो बहुत अच्छी हूँ. अच्छा चलो. मिकी माउस से मुझे याद आया, टॉम एंड जेरी में वो सीन नहीं होता था, खड़ाक करके कुछ आया और चिपक गई आप. तो आप बिल्कुल वैसी हैं, फ्लैट. कौन लोग है यार, कहाँ से आते हैं ये लोग? इनके लिए बोला था. आमिर कुछ कहना चाहते हो? नहीं मैं नहीं भाई, ये अच्छे लोग. अभिया अभिया कुछ नहीं कहेगी. तू अच्छा नहीं बन, इनकी तारीफ कर गए यार. आमिर अच्छा बन रहा है तू यार, क्या हो गया बिलाल? अच्छा नहीं बन. बिलाल ये तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हें गंदा कराते.
तुम लोग बोलो आखिर में चैंपियन जीत जाएगा। ये सिंपैथीज के वोट, ये सिंपैथीज की कॉपी मार रहा है मेरी यार। पहले जो मैं करता था अब तू वो कर रहा है भाई। कुछ न्यू लाओ यार, कॉपी नहीं कर रहा। चलो भाई टाइम अप, नेक्स्ट गेम खेलेंगे जल्दी से। लेकर आओ उससे पहले मुझे दिखाइए जरा सोशल मीडिया स्टैट्स, किसके फैंस जो है वो अभी तक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और भरपूर वोट्स कर रहे हैं। अभी क्या पोजीशन है दिखाइएगा। और हमेशा की तरह 55% आपके टिकटॉकर्स के फैंस ने वोट किए, 44% वोट ही मिले हैं सिर्फ चैंपियंस को अभी तक। अपने फैंस को मैं कहना चाहूंगा कि फैंस प्लीज हमें वोट करें। बोलो बोलो बोलो। और हर दफा आप इनको दो पॉइंट्स देके जितवा देते हैं लेकिन ये लोग फिर भी गेम के अंदर फेलियर है, तो दो पॉइंट्स से फर्क पड़ता है, तो हमें दें क्योंकि हम हर दफा अच्छा खेलते हैं लेकिन फिर भी इनके फैंस इनको दे देते हैं। जी अभी आपसे बात नहीं हुई, अभी मुझे बोलने दो, अटेंशन सीकर, हर दफा बीच में बोलना जरूरी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इनके फैंस भी जानते हैं कि ये लोग खेल के तो पॉइंट्स अर्न करने से रहे, तो बेचारे वो सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर करके इनको पॉइंट्स दे देते हैं मुफ्त। चाहे फैंस इनके हैं या हमारे हैं, जब भी हम लोग मेहनत करके जीतते हैं तो हम लोगों को भी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, और जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी जीतते हैं तो आप लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड शो है या हम लोग चीटिंग करते हैं, तो हम लोग कहीं भी चीटिंग नहीं करते लेकिन हम लोग को आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। मुझे ये बोलना है कि जिन जिन के यहाँ पे फैन है वो जाहिर सी बात है उसको ही सपोर्ट करेंगे, इस बात में कोई भी शक नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं ज़्यादा शो के और दानिश भाई के वो बहुत ही ज़्यादा हैं, और मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ भाई देखें हमारी मेहनत है, हम खेल रहे हैं, आप बिल्कुल फेयर लें, जो भी फैसला लें बिल्कुल सही लें, ये मांगने की आदत नहीं की गलत वोट दे, बिल्कुल सही वोट दे। मेरे फैंस के पीछे पड़ेगा कि वो भी इसी को वोट देते यार, आमिर बहुत चला। मांगने की आदत इनकी नहीं गई बिल्कुल, ये शुरू से आखिर तक मांगना नहीं, रिक्वेस्ट क्या हो गया, आप तो हमेशा वही अकल अकल बस अगर हम मांग भी रहे हैं तो उनसे मांग रहे हैं जो देने वाले हैं, आप लोगों से तो कुछ नहीं मांग रहे ना, आप लोग तो खुद कुछ नहीं कर पा रहे। बिलाल बातें बहुत करता है, ये वो आम है जो गाड़ी ने कुचल दिया उसको। चलो टाइम लाओ जल्दी, चलो चलो चलो, नेक्स्ट गेम बारी है रवि का। नहीं टॉस तो आप हार गई थी, आप हार गई थी, आपकी बारी है टिकटॉकर्स। आप लोग टॉस आ रहे हैं, ये टॉस टिकटॉकर्स ही जीते हैं। आइए कौन आएगा आपकी टीम से, आमिर जल्दी से बताओ कौन आएगा। और ये गेम तुबई खेलती है, कल तुबई हार गई थी ये गेम शादाब से। रेडी गो, जो कॉमेडी है ना वो यहाँ पर गुड्डो मर है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अगेन करेंगे, काफी देर पहले मैंने बोल दिया था वहाँ टाइमिंग नहीं चले। रेडियो शुरू से करेंगे, रेडियो तुबा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको हटाओ भी ऊपर करो ऊपर करो। रेडी गो, काउंट हो गई है बिल्कुल, चार हो गए। आइए जी पांच स्कोर करने वाला रवि का रही है, रवि का रही है। गेम खेलने से पहले कभी खेला तुमने ये गेम, खेलोगी तो सीखोगी ना, वो कह रही ओके आ जाओ भाई चलो पांच स्कोर करना। रवि का जीती है हारती है आप नहीं देखो ये बात तो सभी देखेंगे बिलाल, ये कोई कहने वाली बात है। रेडी रेडी गो। ओ मैं ये चाहूं मेरी महबूबा तुझ पे बार दूं, जितनी बार मेरी महबूबा मैं हार दूं, मैं ये चाहूं मेरी महबूबा तुझको मैं प्यार दूं, आया
टाइम अप, लेकिन नहीं बराबर नहीं, नहीं 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 उससे बिल्कुल सही लगा है। एक मिनट, आपने चौथा स्कोर किया था बिल्कुल डाइंग सेकंड में जब जीरो हो गया था ऑलमोस्ट, उसने चार सेकंड पहले चौथा स्कोर कर लिया, इसलिए ये पॉइंट जाएगा टिकटॉकर्स के साथ। आओ भाई हो जाए। नशीली है रात हाथों में हाथ, नाचे सितारों के साथ, चंचल बदन लहकते दहन, पूरा एक मिनट है तुम लोगों के पास, खामोश बैठ जाओ, बैठ जाओ, माइक बंद, इसका माइक बंद करो, माइक बंद, पूरा टाइम एक मिनट, शुरू हो जाओ। नहीं आमिर लड़का ना कसे पे, कराची की गर्मी ने इसको खराब किया है। तूबा आप फैशन सेंस की बात कर रही हैं, तो आपसे एक लाख गुना ज्यादा अच्छा हमारा फैशन सेंस है, तभी हमारे सोशल मीडिया पे आपसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ओके बर्फानी री, चुप करके बैठा करो, समझ आ रही है? खामोश एकदम। और थोड़ा मेकअप जरा बीहा को भी दे दिया करें, बेचारी से ब्लश लगा के आ जाती हैं। अच्छा अरीम, अरीम ने बोला था इसके नाक को काला करो, ये मिकी माउस लगेगी। सिद्रा के नाक को काला भी नहीं करो फिर भी लगेगी। बोले नैया, मुझे ऐसा लगता है आपकी जो सर्विस है ना वो पेट्रोल पंप पर होती है। बिलाल बोल नहीं सकते, माइनस हो जाएंगे। बिलाल आप कुछ नहीं बोलेंगे। दानिश भाई, हाँ बाहर बिलाल का पोस्टर लगा था, उस पर लिखा था गुनाह करोगे इंशाल्लाह ऐसे हो जाओगे। मुर्गी की काल उतारो बिलाल जैसे लगेगा। बहुत अफसोस हुआ, उतर जाते हैं ऐसे एक पॉइंट के लिए तो। और किसी ने कुछ बोलना? बस हो गया, टाइम अप गाइस। दिखाइए मुझे पॉइंट टेबल इस वक्त कहाँ है, दोनों टीम्स कुछ करीब आई हैं या बहुत फर्क रह गया अभी भी? जी चैंपियंस हैं इस वक्त 13 पॉइंट्स पे, वहीं 7 पॉइंट्स के साथ उनका पीछा करते हुए टिकटॉकर्स। आज मैं चाहता हूं तुम लोग इनसे आगे निकल जाओ, गेम्स में हराओ इनको। चलो देखते हैं, हुसैन पीछे बाजरा खाने गए थे और फिर ये मुझे कहते कि मैं बहुत खा के मोटा हूँ, भैंसा हूँ, ये खुद पीछे सैंडविच ठूस रहे थे, बाजरा ठूस रहे थे। तो भूख लग रही होगी ना यार, रबी का बताओ क्या है जल्दी से। अरे वाह भाई, टिकटॉकर्स अगेन दोबारा से टॉस जीते हैं टिकटॉकर्स, इसलिए पहले कौन आएगा गाना गाने। आइए, 3 पॉइंट्स का गेम है, 3 पॉइंट्स उसी की टीम को मिलेंगे जिसको मेरी टीम डिसाइड करके बताएगी कि ये लोग ज्यादा बेहतर सिंगिंग कर रहे थे। बताइए कौन आएगा? अभिया आएगी, अभिया आएगी, आ जाओ अभिया, माइक दीजिए, आ जाओ अभिया, कौन सा गाना, आगे आओ। आफरीन आफरीन आफरीन, अंतरा गाऊंगी बस। आफरीन रेडी गो। जाने कैसे बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हसी आफरी 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 आफरी। लकी जो है जहाँ सुर जाते हैं लकी अपने बालों को सेट करना शुरू करते हैं, ये क्या हो रहा है? हाँ भाई कौन आएगा आपकी तरफ से? आइए माइक लाइए, माइक दीजिए भाई। पीर फकीर आगे गाना गाने, अभी बताते हैं कौन पीर फकीर है, अभी देखना है कितना अच्छा गाना गाएगा। आ जाओ अब्दुल बासित और छा जाओ अब्दुल बासित, क्या सुन रहे हो? मुझे फकीर बोल रहे हैं। कौन सा गाना? तेरा वो प्यार, तेरा वो प्यार, आ गया आ गया, रेडी गो। बातें तेरी करीब करके माइक करीब करते हुए तक्के सो जाता हूं, सरहाने आसमां
जाने कहाँ मुड़ जाती है, देखते देखते तुझे ये गलियाँ, तेरी तरह खुशबू छले हैं तारे, तुम्हारी तरह रातों से मिले सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानिया, ये आरज़ू थी के देखी ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ। थैंक यू बहुत शुक्रिया। कौन आएगा नेक्स्ट आपकी टीम से? कुकरू कुकरू सिद्रा आएगी। कुकरू होता है कुकरू कुकरू क्या? हाँ भाई सिद्रा, कौन सा गाना? छुए छुए बाइज़न। छुए छुए, चलो भाई रेडी रेडी गो। सिद्रा इसमें गाओ। हाँ ये वाले माइक से गाओ। चलो भाई चलो भाई आ जाओ। सिद्रा रेडी है। दानिश भाई हेल्प चल रही है दूसरे की वजह से। सिद्रा भी रेडी है और यहाँ से रियाज भी रेडी। रेडी गो। छुए छुए उन प्यारी रातों में आए आए प्यार मुझे तेरी बातों पे, ऐसे में मेरी जान तुझे जाएगी, मेरी जान तू निकलती जाएगी, बाहों में ले ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती मेरी जान, मैंने ढूंढा ये जहां मेरी जान कोई तुझसा है कहां, तेरी तरह कोई खुशबू तेरी। छुए 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 उन प्यारी रातों में आए आए प्यार मुझे तेरी बातों पे। थैंक यू जी। आइए नेक्स्ट कौन है, कौन आएगा? रर 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 हरी माई क्या हरीम? हरीम भी गाना गाती है। माइक दो, माइक दो भाई जल्दी से माइक दो। हरीम कौन सा गाना गाएगी? समझावा रेडी गो। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लग दाजी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं रह गया यहाँ से। दीपा को गाना ही नहीं मिल रहा, उसका पता नहीं कौन सा गाना गाने वाली, क्या सुनाओगी? जल्दी आओ भाई, कौन सा गाना जल्दी से? कोई लड़का गा ले यार। बिलाल, अच्छा बिलाल तुम अपना गाना गा लो पहले, अपना कोई सा भी गा लो यार। तुम रेडी हो? तुम माइक 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 माइक
चलो भाई आ जाओ जल्दी से, कौन सा गाना है? बागी का। अच्छा आगे आगे बागी का ओएसटी, रेडी गो। आज ही गाना है, आज गाना है आज। धूल उड़ती है या तन्हाई, धूल उड़ती है या तन्हाई, हर पल दड़पत मन सौदाई, दूर मैं तुझसे हूँ ना रब लबिया ना तू, पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी। थैंक यू आज ही कोई बचा है आप लोगों में से? अरे रवि का मैं हूँ ना, आओ ना रवि का मैं हूँ ना, आओ जल्दी आ गया। कौन सा गाना सुनाओगी? सोना ना चांदी ना कोई और, चलिए आइए रेडी गो। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। थैंक यू। अच्छा अंतरा भी गाना था आपने, थोड़ा सा अंतरा याद है? अंतरा मेरा भाई गाएगा, जरा हो जाए थोड़ा सा। सुनिए ये क्या कॉम्पोजिशन है, रॉबिन घोष साहब जी बताइएगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। क्या बात है, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए पहले लकी के लिए। अरे थैंक यू। चलिए भाई डिसाइड करेंगे, आप लोगों ने गा लिया अपना गाना, एक गाना रह गया है मेरा, नहीं वो बिलाल गाएंगे। आइए बिलाल साहब आइए जल्दी से, बिलाल की पहले बारी है। चलो बिलाल और मैं गाते हैं, तो बिलाल हम दोनों गाएंगे, आओ आओ बिलाल के साथ मैं गाऊंगा। लाओ माइक दो जल्दी से, माइक दो रवि का। आओ बिलाल जल्दी से आओ, गाना तुम चूज करोगे, गाएंगे दोनों भाई मिलके। आ जाओ माइक दे बिलाल को, माइक दीजिए बिलाल। कौन सा गाना? वो तो मुझे नहीं आता, यही गाते सोना ना चांदी। चलें ठीक है स्टार्ट करें तुम्हारे साथ, स्टार्ट तुम करो। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको दे दे सकूंगा फिर भी ये वादा है तुझसे, तुम गानो यार। बिलाल का जो अपना एक सुर है ना, उसके आगे मैं गा ही नहीं सकता। बिलाल के अंदर एक किया गया, बिलाल के अंदर ना एक वेल फिश है, तो वो अंदर से आवाज निकाल दी। कंटिन्यू, चलिए भाई थोड़ा सा गा लेते हैं, ये माइक आवाज आ रही है, अरे 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 अरे, चलिए यही गाना गाओ यार थोड़ा सा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथ ये लीजिएगा माइक, डिसाइड करें कि मेरी टीम के इन दोनों में से किसने बेहतर गाया है भाई। लेकिन सबसे अच्छा तो आपने गाया दानिश भाई। क्या दानिश भाई ने सबसे अच्छा गाया है यार, मुझे हटा के मैं दानिश भाई के लिए तालियां बजाएं, मैं इनकी साइड हूँ। अरे बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डिसाइड इन दोनों में करना है आपने, बताइए करना है। और दोनों टीम्स में आपको पता है
ऐसे ही गाया माशाल्लाह, जैसे भी गाया डिसाइड आप करना, आप लोग जजें भाई। माशाल्लाह गाया सबने। हाँ, टिकटॉकर्स, टिकटॉकर्स एक वोट जबरदस्त। कुछ अच्छा गाया था हरीम ने, कुछ बेहतर गाया। चलिए जी, टिकटॉकर्स, टिकटॉकर्स दो वोट्स। ओके जी, टिकटॉकर्स, टिकटॉकर्स को मिल गए पूरे 3 वोट्स। रियाज पटेल जल्दी। अच्छा लकी, सब टिकटॉकर्स को दे रहे, मैं चैंपियंस को दूंगा। चैंपियंस रिवर, रियाज पटेल, टिकटॉकर्स। तुम्हारा दिल पागल हो गया मुझे लग रहा है, आजकल बहुत पागल चल रहा है तुम्हारा दिल। 4-1। हाँ जी जॉनसन, चैंपियन, चैंपियंस 4-2। इस तरह ये 3 पॉइंट्स गए टीम टिकटॉकर्स के साथ। आ जाओ जल्दी से, हो जाए जश्न, आ जाओ भाई। वे सुने देवा तंगे ना सादाई को जया, दिल देना ते दिल भगना में सादाई को जया, दिल देना ते दिल भगना में सादाई को जया। वे सुने देवा तंगे ना सादाई को जया, दिल देना ते दिल भगना में सादाई को जया, दिल देना ते दिल भगना। ये बात, 3 पॉइंट्स तुम लोगों के खाते में आए, इस तरह तुम लोग स्कोर कार्ड पे काफी ऊपर आ गए। अब पूरे 1.5 मिनट है तुम लोगों के पास, खामोशी इख्तियार कर ली जाए और रोस्ट कर दो। बोलो बिलाल, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे चिड़ियाघर से भागा हुआ हाथी यहाँ के बैठ गया। 5वीं 6ठी बार बोल रही हूँ तुम ये बात। बताओ क्योंकि उसको देख आती याद आता है। यार ये क्या बात है यार बिलाल। अच्छा और कोई और? और अभी हाँ, आज आपने मेकअप ऐसा किया, ऐसे लग रहा है बिल बतोड़ी नासा चोड़ी वाली शक्ल नहीं होती बिल्कुल वो। वो उसको पता भी नहीं होगा बेचारी को कौन है। नहीं वो मेरे जमाने के थे, एनक वाला जिन, मैं था उनका फैन बहुत बड़ा, मुझे याद है कि वो कौन थे। जी बताइए। घुटने की शक्ल वाला आमिर आज बहुत अच्छा बन रहा है। चैंपियंस को हमेशा शिकायत रहती है कि उनको मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो प्लीज़ अपने थोड़े जरा दिमाग और कान के जो जाले हैं ना वो साफ कर लें, कान साफ करके, ताकि आप लोग को मेरी बातें समझ में आए। तो सही है, कान के तो चले हो जाए, दिमाग के कैसे होंगे? दिमाग में भी जाले लगे हुए हैं ना, साफ कैसे होंगे? अच्छा अच्छा, रबी का क्या कह रही हो? तौर पे बिलाल के जाले लगे हैं, बाल भी अजीब से और चेहरा भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या है। बिलाल को तो लगता है वो सलमान खान है, आटा मला हुआ है मुंह पर जी बिलाल, असल रंग थोड़ी है। अच्छा जी, और किसी ने अभी तक सबसे अच्छा जो कॉम्प्लीमेंट आपने दिया है अभी तक बिलाल को, जो किससे मिलता है? मैंने भी इसको आज बोला था, ई होंडा। किससे? ई होंडा ना, ई होंडा मिलता है यार, ई होंडा बिल्कुल कसम से, बिल्कुल तो बिल्कुल ई होंडा लगता है ये। जरा क्लोज बनाइए ये देखें, बिलाल हंस के दिखाओ। अमर भाई, दानिश भाई, बिलाल जो हमेशा कोशिश करता है, नाचता रहता है, कहता है वेट कम हो जाए, मैं इसको एक आसान तरीका बताता हूँ, गीले हाथ करके बिजली की तार पकड़ ले फुल पत। अच्छा दूसरी बात ये, बिलाल ने अगर वेट कम कर लिया ना, मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत फोटोजेनिक होगा, वेट कम हो जाएगा, पेट ऐसे ही भरा है। बिलाल तुम्हारी तारीफ करने देते ही नहीं है ये लोग यार, मैं क्या करूं। बिलाल की फेस अभी ऐसे जैसे गुंदे बैट पे फफूंदरी लग जाती, बिल्कुल सेम। और बिलाल बैठता ऐसे जैसे गोल तक आगे रखा हुआ। ओके टाइम अप गाइस, बस करो, स्कोर कार्ड दिखाइए मुझे, बताइए टिकटॉकर्स कुछ ऊपर आए हैं, चैंपियंस तरफ पहुंचे हैं या नहीं। जी चैंपियंस है इस वक्त पूरे 13 पॉइंट्स पे और टिकटॉकर ज्यादा पीछे नहीं है, 10 पॉइंट्स हैं आप लोगों के। लेकिन गाइस अभी भी गेम चेंजर के हकदार चैंपियंस ही हैं, अनलेस कि तुम लोगों को बीट कर दो। चलिए इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आता हूं और आपको इसी तरह एंटरटेन करने आऊंगा, कहीं जाइएगा नहीं, मिलके बोलेंगे मेरे साथ गेम शो। ऐसे चलेगा ऐसे ही चलेगा। चलिए आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां छोड़ा था, और तुम लोगों के लिए आए हैं गोल गप्पे। गोल गप्पों से याद आया मुझे, कहां जा रहे हो तुम? एक वीडियो वायरल हुई है, बाज औकात मैं चीजें मिस कर देता हूं यहां खड़े होकर, क्योंकि मैं आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहा होता हूं, तो पीछे से मुझे पता चला कि कुछ चीटिंग हुई थी।
बाखुदा मुझे उसके बारे में इल्म नहीं था, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे लगा नहीं यार ये तो गलती हो गई, लेकिन चलो रात गई बात गई। बिलाल माइक दो बिलाल को। सर वो फेक वीडियो है, किसी ने एडिट एडिट करके डाली होगी और मुझ पे इल्जाम लगते हैं क्योंकि लोग मेरे नाम असल में दानिश भाई बिलाल हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं तो उस पे लोग अपनी व्यूज लेने के लिए इस पे बना देते हैं कुछ भी। कोई पागल ही होगा। अच्छा जो आप पहली बार कोई अक्कल वाली बात की है इसने, पहली बार माइक बंद करवा दूं अभी। अब सुनो यहाँ पर तुम खड़े होके एक कॉम्पिटिशन चल रहा है और बीच में आके गोलगप्पे चुपके से यूं खा रहे हो, कैसे? सर ये चीजें इग्नोर किया करिए, अपने पेट पे कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं वो फिर देखो जब मैं डिसीजन ले लेता उसके बाद ही बाहर जाके खाता, डजंट मैटर। अगर तुम अभी मुझे डिसाइड करना है कि कौन विनर है, ये पॉइंट किसके पास जाएगा किसके पास नहीं, अब तुम सब सारे टिकटॉकर से सॉरी बोलोगे, तुमने चीटिंग बोली सॉरी बोलो। ओके आई एम सॉरी ऑल द टिकटॉकर्स। चलो जी और बाकी जो जो देख रहे थे जो डिसहर्ट हुए उनको भी बोलो, जो जो डिसहर्ट हुआ उसको बोलो सॉरी बोलो, सबको बोलो, सबको बोल दो दिया सॉरी। तुमने बोला टिकटॉकर्स, टिकटॉकर्स देखने वाले ओनली टिकटॉकर्स, सारे लोग, सारे लोगों को गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा था मेरा तो खा लिए, इस वजह से सबको सॉरी। अब बोलो आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, ये तो सलमान खान कहता है। चलो जी शुरू करेंगे आज का दूसरा गोलगप्पे, इसके भी दो पॉइंट है क्योंकि यहाँ से भी एक मेल और फीमेल आएंगी, यहाँ से भी एक मेल और फीमेल आएंगी। कौन आएगा भाई जल्दी, आज का टॉस नहीं होता है। रवि का कौन आया खाने, शाहताज ही, तुम लोग खाने वाली चीजों में सिर्फ शाहताज को आगे भेज देते हो यार। आओ भाई जल्दी से, मीर और शाहताज, यहाँ से कौन आएगा? अबीहा नहीं, तूबा नहीं, सिद्रा कौन आना है? तूबा आ रही है। तूबा आओ भाई, तूबा खाओ गोलगप्पे, आओ जल्दी से तूबा। और कौन आएगा? बिलाल, बिलाल आ जाओ, बिलाल जल्दी आओ, बिलाल जल्दी से आओ, यहाँ खड़ो। बिलाल पीछे से कुछ कर दिया क्या? पहले कोई नहीं खाएगा, पहले कोई नहीं खाएगा, हाथ भी नहीं लगाएगा कोई। आ जाओ सिद्रा आइए जी, पूरा एक मिनट है आपके पास और मैं अब गौर से देख रहा हूँ कोई बेईमानी ना करे। रेडी गो। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फेरे हंसता हंसता फेरे आया जी, देखो जी आया रे, बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, देखो कैसे गाले। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, करना जुर्म है प्यारे, मेहनत करके खाना, चोरी करना जुर्म है प्यारे, मेहनत करके खाना, रूखी सूखी खाके भैया लंबी तान के सोना, लंबी तान के सोना। ए आजा गोरी गोरी बाके बाके छोरी, आजा गोरी गोरी अरे बाके बाके छोरी, आज ये सादा जो खाएगा कल भी खाने आएगा, जो खाएगा। बस बस बिलाल बस 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 रख दो, रख दो वापस, रखो वापस, रखो वापस, रखो। सबसे ज्यादा बिलाल खा गया, हट जाओ। तीन चार पाँच छः आपके बच गए, चार पाँच छः आपके बच गए, सिर्फ चार बचे हैं और आपके छः, आपका और आपका जो मुकाबला था वो तो हो गया टाई, एक पॉइंट आपके साथ जाएगा, एक पॉइंट जाएगा आपके साथ, लेकिन बिलाल ने हराया है मीर को, इसलिए चैंपियंस के साथ जाएंगे दो पॉइंट्स, टिकटॉकर्स के साथ जाएगा सिर्फ एक पॉइंट। तो इस गेम के ये देखो जाते जाते जो पानी था वो भी पूरा पी गया है वो। आ जाओ भाई बिलाल जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, जश्न हो जाए म्यूजिक के साथ, रेडी गो। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा शोभा लगती, और रह के भी ज्यादा ले जाए के तुझको उठा के मेरे बिना लागे ना मोरा जिया लगती है, तो बिलाल बात सुनो, बिलाल किसी को अगर उठा के लेके जाएंगे तो ऐसे उठा के लेके जाएंगे, गोलगप्पे अजम ऐसे कौन उठा रहा भाई, गोलगप्पे अजम कर दिए इसने इसी दो मिनट में, ऐसा लग रहा था हाथी के आगे तरबूज रखते थे। अच्छा एक मिनट, जीता कौन बोल सकते हैं, कैसे बोल रहे हो तुम लोग जी? नहीं हार गए, 2-1 2-1 जीते वो लोग हैं। माइक नीचे, एक मिनट है पूरा तुम लोग के पास, दो पॉइंट से उड़ा दो। मैं हरीम को कहना चाहूंगा कि हरीम भी है वो डॉक्टर से इंजेक्शन लगा के आए ताकि वो थोड़ी हेल्दी हो, इतनी पतली आ गई है पता नहीं कैसे ले लिया, कुछ खेलती तो नहीं है, बेहोश ना हो जाए भाई, इनका कोई ध्यान रखो जी। हाँ जी नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इनके दिल नहीं बन, अच्छा नहीं बन आमिर, आमिर जब तुम्हें को बदनाम कर देता आज तू क्या बन रहा है, तू तो बेइज्जती कर इनकी, वाह बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ भाई तूबा
ये चुई मुझे कुछ बोल रही थी पहले, आप फैशन सेंस का मुझे बोल रही थी, आप पहले ये तो देखिए आपने पहना क्या और ऊपर से आपने जूतियाँ कौन सी पहन ली, खुद को फैशन का सेंस नहीं है, फैशन का सेंस बोलने चली। और दूसरी बात कि आज पता चला अल्लाह की शान है तिनके में जान है। और किसी ने कुछ बोलना है भाई? बलाज रविका जो है ना दो ऐसी लग रही है जैसे दो सड़े हुए केलों में बैठी हुई एक सड़ा हुआ कीनू। दानिश सर मैं शाताश को कहना चाहूंगा कि शाताश लग रही है आज लालू खेत की मलका लग रही है। नहीं तुम किसी इलाके का नाम क्यों ले रहे हो, इलाके का नाम क्यों ले रहे हो, मलका तो कहीं की भी हो सकती है। जी बिल्कुल कहीं की भी हो सकती है ना, अजीब मलका है बिल्कुल लगती नहीं है मलका। आ, किसी इलाके का नाम लो, इलाके वाले सारे मेरे। हाँ बोलो। आप फॉलोवर्स की बात करी थी, चुई आप मेरी बात सुने, ऐसे तो वो एक बंदा है जिसका मैं नाम लूँ ना लूँ मुझे नहीं पता, उसके भी फॉलोवर्स बहुत ज्यादा है, ऐसे तो नाम ले लूँ? नहीं नाम ना लो, नाम किसी का नाम सिर्फ जहाँ जो बैठे इनका ले सकते हो। मैं बोलना चाहूँगी शाहताज को, शाहताज ने मुझे कंपेयर किया था कि मेरे दांत कॉकरोच के दांतों की तरह लगते हैं, तो मैं ये बोलूँगी हाँ अंडों की तरह, तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे आज पता चला कि आपने कॉकरोच के मुँह में भी मुँह देखा है। कॉकरोच के मुँह में क्या, मुंह में मुंह दे के देखा है? कैसे देखेंगे मुंह में मुंह देखे भाई, इनको पता होगा ना जब इन्होंने अंडे देख लिए तो ये तो उन्होंने मुंह में भी देखा होगा। कौन लोग, कहाँ से आते हो तुम लोग? मतलब खा के देखा होगा। इसका मतलब है टेस्ट करके देखा, खा के देखा होगा। बासित बोलता है कि बिलाल के अंदर जैसे दो बंदे हैं, सही, हम यहाँ सात हैं, सही है, तो तुम खुद अपनी हाइट भी देखो ना, तुम्हारे ऊपर भी तो एक है, उसको नहीं गिनते? हाँ क्या हुआ, इतना इतना डेडली रिएक्शन, सीरियसली क्या कलाबाजी खा ले वो क्या करे। चलो टाइम अप गाइस, लाइए नेक्स्ट गेम जल्दी से। अच्छा अबीहा बनाएंगी स्केच शाहताज का और शाहताज बनाएंगी स्केच आज अबीहा का। आ जाओ भाई नेक्स्ट गेम है स्केच गेम, बताया मुझे आपने खेलना पड़ेगा, अभी आपका बनेगा स्केच, यहां से शाहताज का बनेगा स्केच और ये दो दो पॉइंट्स के गेम है। आइए आइए प्लीज बैठिए बनाइए स्केच साथ साथ। ला भाई दूसरा गेम क्वेश्चन आंसर्स, IQ क्वेश्चंस पहले लाओ, टॉस करेंगे, बारी किसकी है, शाहताज अबीहा, टाइम शुरू हो गया है जल्दी से बैठ जाओ। अच्छा जी कैप्टन कौन था बताइए मुझे, बारी आपकी है। चैंपियन पक्की बात है, चैंपियन और फिर से टॉस जीती है रबीका, इसलिए पहला क्वेश्चन होगा आप लोगों से, गौर से सुनिएगा, IQ टेस्ट है आप लोगों का, रेडी हो? चलो आप लोग अपनी दौलत मिनटों में डबल कर सकते हैं कैसे? आपके पास लक्ष्मी चिट फंड में, क्या लक्ष्मी चिट फंड में क्या है बेटे वो? आप अपनी दौलत मिनटों में डबल कर सकते हैं, बताएं कैसे? IQ क्वेश्चन है गाइस, सोच समझ के। शीशे के मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता डबल हो सकते हैं शीशे के आगे रखे वैसे, मतलब अच्छा अच्छा आप अपनी दौलत मिनटों में डबल कर सकते हैं, बताइए कैसे? शीशे के सामने हो सकते हैं, मुझे बताइए सामने, शीशे के सामने लिख के कैसे डबल करना है ना, बेटा तुम लोग क्या करते हो, शीशे के सामने, शीशे के सामने, शीशे के सामने, एक सेकंड आप फिर से बताएं सवाल। आप अपनी दौलत मिनटों में डबल कर सकते हैं, बताएं कैसे? टाइम अप हो गया, 10 बस शीशे के सामने, ये जवाब है आपका। चैंपियंस ने जवाब दिया शीशे के सामने रख के, बिल्कुल ठीक, नहीं गलत जवाब। इसका जवाब है दोबारा गिन के, आप एक ही अमाउंट को दो बार गिन लें तो वो डबल हो जाएगा अमाउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दो बार गिन के वो डबल हो जाएगा। खैर गलती हो गई आपकी, चलिए IQ बनाए तो उसका बहुत ही दिमाग काम नहीं करता। अच्छा गौर से सुनिएगा, मैं दिन भर बारिश में घूमता फिरता रहा मगर जरा भी गीला नहीं हुआ, बताएं कैसे? घूमता फिरता रहा हूं मैं बारिश में, गाड़ी में, मैं दिन भर बारिश में घूमता फिरता रहा फिर भी जरा भी गीला नहीं हुआ, बताएं कैसे? मैं हुआ था ना वो दीवानगी में, मैं गाड़ी पे लेटा हुआ था, बारिश हो रही थी, है ना, बहुत बारिश हुई थी यार, बहुत बारिश थी, सारी रात भीगा था,
सारी रात भीगा फिर भी नहीं मानी नगीन, बताओ जरा यार और क्या करेगा आदमी। मैं गाड़ी के अंदर, मैं दिन भर बारिश में घूमता फिरता रहा मगर जरा भी गीला नहीं हुआ, बताए कैसे? गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में घूम फिर रहे? ठीक है, आपकी मर्जी, आईक्यू क्वेश्चन है, मुझे आप जो जवाब देंगे मैं मान लूंगा। बताइए, मैं दिन भर बारिश में घूमता फिरता रहा मगर जरा भी गीला नहीं हुआ, बताए कैसे? क्योंकि मैं गाड़ी में था। पक्की बात है? चलिए, यही जवाब है आपका जी। और टिकटॉकर्स को एक बड़ा अच्छा मौका मिला सिक्स मारने का, लेकिन इन्होंने जवाब दिया क्योंकि ये गाड़ी में थे, और ये जवाब गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। वाह भाई वाह, एक क्वेश्चन किया सही जवाब। छतरी, छतरी में कहीं ना कहीं से पानी तो आ सकता है ना, कैसे? तेज बारिश हो रही है, तुम ऐसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? चलो रेडी है? वो कौन है जो अपने सारे काम हाथ के बजाय नाक से करता है? सोच समझ के बताना। बिलाल कह रहे मैं हूं। वो कौन है जो अपने सारे काम हाथों के बजाय नाक से करता है? हाथी हो सकता है? हाथी। मुझसे पूछ रही हो, बता रही हो? पूछ रही हूं। मैं क्यों बताऊंगा तुम्हें? बता। अरे क्यों बताऊंगा मैं? वो कौन है जो अपने सारे काम हाथ के बजाय नाक से करता है? सूंड नाक होती है नहीं होती? मुझे क्या पता, इतना तो बता दे सूंड नाक होती है। कुछ नहीं बता सकता, आपने जवाब देना है मुझे। फिलहाल को देख के जज कर लो, वो कौन है कुछ बोलो ही नहीं, सारे काम अपने हाथ के बजाय हाथी हो सकता है नाक से करता है? पक्की बात है? नहीं पक्की बात नहीं, एक सेकेंड। मैं पूछोगे नहीं मुझसे, मुझे जवाब दोगी तुम? हेल्प नहीं कर सकता मैं इसमें किसी की। वो कौन है जो अपने सारे काम डोंकी हाथ के बजाय डोंकी? बासित की बात नहीं कर रहे, बासित की बात। चलो दस। अच्छा हाथ। नौ नहीं, एक मिनट। आठ, सात, हाथी हाथी। छह, कैप्टन पांच। अच्छा आप ही कैप्टन है, ओके। मैं पूछ रहा हूँ तू बस बताओ यार। और आमिर ने जवाब दिया हाथी, अच्छी हो गई, हाथी मेरे साथी आमिर, ये जवाब गलत नहीं है, सही जवाब। दो क्वेश्चंस में से एक का जवाब बिल्कुल सही दिया है। अब बारी है टिकटॉकर्स की। अच्छा जी, नहीं पूछा भाई। अच्छा, वो कौन सी छुरी है जिससे गला कट नहीं सकता? वो उससे गला नहीं कट सकता। वो कौन सी छुरी है मीठी छुरी जिससे गला कट नहीं सकता? वो कौन सी छुरी है जिससे गला नहीं कट सकता? मीठी छुरी। सोचो सोचो सोचो। अभिया, इसने जो स्केच तुम्हारा बनाया है ना, इट्स रियली फनी। बहुत आला जनाब। बताइए जी, टाइम हो गया है अब 10, 9। मीठी छुरी। मीठी पूरी, मीठी छुरी जो बातों में बोलते हैं, मीठी ज़बान। पक्का? वो कौन सी छुरी है, मैंने कहा वो कौन सी छुरी है जिससे गला नहीं कट सकता? वो कौन सी छुरी है जिससे गला नहीं कट सकता? 10, 9, 8, 7, 6 5 फाइनल आंसर मीठी छुरी। टिकटॉकर्स ने आंसर दिया है जी मीठी छुरी, और बिल्कुल सही जवाब मीठी छुरी। इस तरह टिकटॉकर्स ने दो क्वेश्चंस में से दोनों के जवाब बिल्कुल सही दिए, आप लोगों ने दो क्वेश्चंस में से एक का जवाब सही दिया, ये दो पॉइंट जाएंगे फिर से टिकटॉकर्स के साथ। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, हो जाए भाई। तेरे इश्क में जो डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भाई चल, घुम्मा घुम्मा ता भैया। बहुत आला, बैठ जाओ।
और अब आपके पास पूरा 1.5 मिनट है। खामोश, बहुत बातें कर रहे थे, उड़ा दो फिर से। क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलो। पहली बार देखा है बहस मेकअप भी करती है। और हाँ भाई हरीम, बहुत सारी बातें की थी इन लोगों ने तुम्हारे अगेंस्ट। पाकिस्तानी सस्ती मिक्की माउस, आप मुझे बोल रही हैं कि जो ना ड्रेसिंग सेंस का, तो आप जरा पहले अपनी पैंट देख लें, उसके बाद आप बात करें। आपकी तरह मैं फटी हुई चीजें तो नहीं पहनती। इनके घर में चूहे बहुत है। क्यों? पैंट फटी हुई है। नहीं, बिलाल भूख में खा जाता है कुछ, उसको जगह नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, ये सस्ता शाहरुख खान, पता नहीं ये क्या घुटने पे, कौन कब शाहरुख खान ने कब बांधा ये घुटने पे, समझ भी नहीं आता ये। अच्छा जी, और फैशन होता नहीं है, बना लिया फैशन। फैशन सीखना तो फिर रबी का सीखो, उससे सीखो, देखो हैं। हाँ भाई, क्या बोलना है मीर, आपने कुछ बोलना है? मैंने बोला जब सलमान खान को आप लंडे में ढूंढो तो बामिर के जैसा लगेगा। अच्छा जी, और किसी ने कुछ कहना है? बस चलिए जी, इनका टाइम अप हो गया है और अब बारी है स्केच देखने की, और ब्रीफ करेंगे वन बाय वन, पहले शाहताज फिर अभी। हाँ आइए शाहताज, मैं स्केच ले गई। आओ भाई, ये डिफाइन करेंगी आज शाहताज के, इन्होंने जो ये स्केच बनाया है और स्केच में बनाई है अभी। हाँ तो ये अभी हाँ कहाँ से है और क्यों है, आइए। ये अभी हाँ जिस्म इंसान का, मुंह लोमड़ी का। माशाल्लाह से इनका नाक ऐसा है, इसमें दो बंदे आराम से सो सकते हैं। ठीक है, रमजानों में पकोड़ा रख दिया था नाक की बजाय इन्होंने, और जब इनको गौर से देखो ऐसा लगता है दोला शाही की चुईया। और वैसे तो ये वैसे ही बंदरियां हैं, नजर ना लगे इनको, और होंठ ऐसे जैसे बतख की चोंच। और क्या लिखा था, हाँ कान ऐसे हाथी से उधार लिए, सुनाई फिर भी नहीं आता इनको। बाल ऐसे जैसे बर्तन मांजने वाला झूना नहीं होता, उससे इनके घर वाले सारा बाल रगड़ देते हैं बर्तनों को। बस यही है इनका पूरा। ओके जी, ये स्केच बनाया है शाहताज की नजर में अभी हाँ ऐसी है। अब मैं देखना चाहूंगा कि अभी हाँ की नजर में शाहताज कैसी है। आइए जी अभी हाँ, आइए। दिखाइए जी अभी हाँ। मैंने शाहताज का स्केच बनाया है, शीज लुक लाइक अ कचरा रानी। और इनके दांत, क्योंकि मुझे जब ये बात करती है तो सिर्फ इनके मुंह पे दांत ही नज़र आ रहे होते हैं और तो कुछ है नहीं। और वो लाल रंग की लिपस्टिक जो ये लगाती हैं लुंडा बाज़ार से 20 रुपए की ख़रीदी हुई। और साथ ही साथ इनके एक नॉर्मल इंसान के सीने में सिर्फ एक दिल होता है, इनके 3 दिल है, एक में बिलाल है, दूसरे में आमिर है और तीसरे में बलाज है। हमारी टीम में इनको लड़कों के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। और जब मुंह खोलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कचरा टपक रहा हो। और सिर्फ ये बोलूंगी इनके लिए कि कोई बिके ना बिके, ये तो मिठाई की दुकान पे 20 रुपए की बिक जाएंगी। ये क्या बात है, नहीं नहीं इतना मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। चलिए जी बैठिएगा बैठिएगा, और अनएजुकेटेड नहीं डिसाइड करेगी मेरी टीम भाई कि आप लोगों को ज्यादा मजा किसके स्केच देख के आया। जी बताइए, शाहताज ने बहुत अच्छा स्केच बनाया जी। ओके मसूद, Champions, okay. जी शाहताज। शाहताज दो हो गए टिकटॉकर्स, 2-1 Champions. 2-2 एक मिनट। हाँ रियाज, Champions. ओ 3-2 टिकटॉकर्स। और 3 वोट्स मिले हैं टिकटॉकर्स को। 4 हुए दानिश भाई। कैसे 4 हो गए? मेरे हिसाब से 4 हुए। किसको भाई, टिकटॉकर्स ने किस किस को वोट दिया? आप लोगों ने, आप लोगों में से किस किस ने टिकटॉकर्स को दिया? अच्छा 3 ने, 1, 2, 3 और 3 चैंपियंस ने दिए हैं। इस तरह 3 वोट्स जाएंगे चैंपियंस के साथ, 3 टिकटॉकर्स के साथ। तो 2 पॉइंट्स गए आप लोगों के साथ, 2 पॉइंट्स गए आप लोगों के साथ। किसी को कोई मिनट नहीं मिलेगा रोस्ट करने के लिए, लेकिन पॉइंट्स 2-2 बराबरी पे मिलेंगे। चलिए जी आइए नेक्स्ट गेम खेलते हैं जो कि है एक्टिंग। और मैं पहले टॉस करूंगा, टॉस की बारी किसकी है? आमिर की। आमिर बताओ। सर चैंपियंस टिकटॉकर्स। और आमिर फिर टॉस हार रहा है, ये जो कुछ बोल रहा है वो नहीं हो रहा टिकटॉकर्स। इसलिए पहले मैं आमिर आप लोगों को सिचुएशन दूंगा, डिसाइड करेगी फिर से मेरी टीम कि आप लोगों में बेहतर एक्टिंग किसने की है। गौर से सुनिएगा। पचास करोड़ का इनाम निकल गया लॉटरी में एक सड़क छाप का, और वो पागल हो गया खुशी के मारे। अच्छा उससे पहले जो उसके दोस्त थे वो उसको भाव नहीं डालते थे, जैसे
भाव नहीं डालते थे उसके दोस्त ज्यादा, उसको ऐसे समझते थे हाँ ये तो बस साइड में कोई। 50 करोड़ का इनाम निकल गया, उसके दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा, लेकिन जब यकीन आया तो दोस्त जो है वो बहुत प्यार जता रहे हैं उसके साथ कि अरे 50 करोड़ मैं तो तेरा दोस्त था यार। और वो बंदा जो कह रहा है उसने अपने प्लान बना लिया कि मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। कौन आएगा आप लोगों की टीम में से? 50 करोड़ का इनाम किसका निकला जो पागल हो जाएगा? ये दोस्त बन जा और तीन आएंगे, तीन लोग आएंगे। चलो भाई आ जाओ, 50 करोड़। अच्छा वो नहीं कर रहा, तुम करोगे? क्या इनाम किसका निकला ये तो बताओ। इनाम बिलाल का निकला है, हम दोस्त हैं इसके। चलो आ जाओ, अब याद रखना इधर बिलाल, बिलाल यहाँ आमिर यहाँ रहोगे, और अपना कैमरा लेना, ये तुम्हारा कैमरा, इस तरफ ना आना ना इस तरफ आना। बलाज तुम भी उस तरफ रहना, तुम आ जाओ सामने। ये माइक खाना नहीं है, इसको दूर रखो मुंह से अपने, यहाँ आओ। अब इधर उधर ना होना, तुम यहीं रख, यहीं रुकना और यहीं से बोलना, वो तुम्हारा कैमरा है। 1.5 मिनट का टाइम है, 1x1 बोलना, रेडी हो? अच्छा तुम लोगों इसको कुछ समझते नहीं हो, तुम्हें पता ही कभी नहीं जीतेगा लॉटरी। हम पूछेंगे से यार, पता है हमें, ये अचानक इसको कॉल आएगी, तुम लोगों के साथ बातें कर रहा है और अचानक कॉल आई, इसको पता चला इसका नाम निकल गया। रेडी? पहले तुम्हें नहीं पता है, रेडी गो। हाँ यार क्या हो रहा है आजकल, इसको देख रहे हैं आजकल कैसा चल रहा है यार? जी बोलिए, क्या क्या कहा आपने? 50 करोड़ का इनाम खुल गया मेरा, ओ वाओ, 50 करोड़। अबे 50 करोड़ का इनाम, ओ अल्लाह ताला आपने मेरी सुन लिया, शुक्रिया। कोई झूठिया, कोई पागल बना रहा है इसको, कोई बेवकूफ बना रहा है। क्या क्या तुम लोग कौन हो भाई? क्या हुआ बिलाल? यार मैंने सुना बेटा मेरा 50 करोड़ का इनाम खुला है। अबे पागल बना रहे होंगे तुझे, कहां से निकले तुम्हारे? खुल गए बेटे, तुम लोग कौन है? आजकल कौन देता है 50 करोड़? जाओ तुम लोग जाओ, कौन है तुम लोग? किसने बोला 50 करोड़ निकले भाई? ये कॉल आई है बोल वालों की तरफ से। अच्छा मेरे भाई तरह आपस में बात करते, तुझे पता है याद है लास्ट टाइम जब तू वहाँ गया था शो में? मैं शो गया, कढ़ाई खिलाई, मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई खिलाई थी भाई ने, मटन कढ़ाई तुझे याद नहीं है भाई की? कब कब खिलाई? और चाय चाय तेरा पेट खराब है, झूठ नहीं बोलो भाई मेरे प्यारे भाई, मेरा 50 करोड़ का नाम भाई। जब तेरा झगड़ा हुआ था एक बच्चे ने तुझे मारा था, मैंने उसको कितना पीटा था यार। आमिर झूठ नहीं बोल, नहीं देख तू आज फकीर है, मैं अमीर हो गया तो तू मेरे पास आ गया है भाई, तू मेरी बात नहीं समझ रहा। तेरे को एक आधा कप चाय दे दूंगा, आधा कप चाय पिला दूंगा। नहीं नहीं फकीर हो तुम, फकीर को आधा कप चाय। भाई मैंने तुझे पीसी होटल में खाना खिलाया था। अबे झूठ, याद है डिनर जिस दिन मंगनी हुई थी? 50 करोड़ का इनाम खुला था, तुम्हें रानी मिल गई थी। टाइम अप, टाइम अप। इतना चांस था तुम लोगों के पास, इट कुड हैव बीन सो मच बेटर। तुम लोगों ने क्या किया, जाया गया। चलो खैर नेक्स्ट, जल्दी से लेके रहो, जल्दी लेके रहो। एक ही बात बोले जा रहा है, मेरा 50 करोड़ का इनाम निकला है, इनाम निकला है, इनाम निकला, और कुछ बोल ही नहीं रहे हो। चलिए जी नेक्स्ट, आप लोगों की सिचुएशन है, मैं बताता हूँ कि क्या सिचुएशन निकली है। गाइस गाइस स्टॉप इट, फिल्म का सीन शूट हो रहा है, लड़का लड़की को मुख्तलिफ अंदाज में आई लव यू बोलेगा और लड़की आई हेट यू बोलेगी। ये सीन बार बार शूट होगा, एक फिल्म का सीन शूट हो रहा है या ड्रामे का सीन शूट हो रहा है, आपको मुख्तलिफ तरीके से आई लव यू बोल के दिखा रहे हो, वो मुख्तलिफ तरीके से आई हेट यू बोल रही है। एक डायरेक्टर होगा, दो सीन करने वाले, एक हीरो एक हीरोइन होंगे, और डायरेक्टर जो है वो खुश नहीं हो रहा है, बार बार कह रहा है नहीं इस तरह नहीं, इस तरह आई लव यू कह के दिखाओ। तो डायरेक्टर खुद कह के दिखा रहा है, लेकिन जो एक्टर है वो उसको उस तरह कॉपी नहीं कर पा रहे। आइए पूरा 1.5 मिनट है आपके पास, जल्दी से आइए, 3 पॉइंट्स का गेम है ये भी। सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, जल्दी से आओ। कौन कौन आ रहा है? डायरेक्टर है। अच्छा चलो इधर आ जाओ, अपनी अपनी। अच्छा आपका कैमरा मिडल में है, ये कैमरा है आपका, रबी का, दोनों एक तरफ जाओगे तो फिर कैमरा किसको? यहाँ आओ, आमने सामने हो, सही है। आप यहाँ डायरेक्टर हो, एक्शन बोलोगे, हल्का सा म्यूजिक स्टार्ट होगा और आई लव यू और आई हेट यू बोलना, रेडी गो। एक्शन। आई लव यू। क्या कर रहे हो ये तुम? फिर से मैं यहाँ तुम लोगों के लिए बैठा रहूंगा। अच्छा एक बार और। मेरा दिल करता है, एक मिनट, एक्शन। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारी जुल्फों में खो जाऊं। आई लव यू बोलना था, पर बगली तेल कम लगाया कर ना फिसल जाता हूं। आई लव यू बोले, कोई ऐसी इधर उधर की बातें नहीं करनी। अच्छा कैसे बोलूं डायरेक्टर, आप बताएं ना, प्यार से गुस्से में? रोमांस निकालो अंदर से, रोमांस। एक्शन, आगे आ गया, जल्दी एक्शन बोले। एक्शन, आई लव यू। इससे ज्यादा प्यार क्या दिखाऊं मैं? बीबी मैंने आपको यहाँ पे कुरान खानी करने का नहीं बोला, उसको आई हेट यू बोलना है। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी।
चल दोबारा से 1 2 3 एक्शन आई लव यू आई हेट यू और मैं किस तरह बोलूं यार मुर्गा नहीं बनना लड़की को प्रपोज कर रहा है प्रपोज करना है हाँ एक और बार जल्दी एक्शन एक्शन आई लव यू आई हेट यू ये मान के ही नहीं दे रही इससे अच्छा मैं किसी और को बुला लूं सच में उंगली दी थी जो करंट लग रहा है अच्छा सही है क्या हीरो रख दिया आपने मेरे साथ एक्शन तो कुछ बताएं तो एक्शन एक्शन आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई हेट यू आई हेट यू आई हेट प्रपोज कर रहे तू भीख नहीं मांग रहा उससे अच्छा प्रपोज कर रहा है ओके एक्शन टाइम आउट ब्रिलियंट गाइस जबरदस्त बहुत आला बहुत आला बहुत आला जबरदस्त चलिए जी ये तो मेरे ख्याल से वन साइडेड डिसीजन है सबका मिलके ही बोल देंगे सब भाई किसको अच्छा लगा है टिकटॉकर्स आप सब लोग हाँ भाई टिकटॉकर्स तो ये 6-6 वोट्स गए टिकटॉकर्स की तरफ टिकटॉकर्स आप भी देंगे वोट थैंक यू और यहाँ से सुद्रा ने भी अपना वोट आप लोगों को दिया ये पूरे 3 पॉइंट जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ आ जाओ हो जाए थैंक यू अच्छा दानिश भाई एक बात बोलनी है हाँ एक बात ये बोलनी है कि हमेशा मुझे बोलते हैं मैं यूइन को बोलता हूँ लेकिन आज इन्होंने हमसे अच्छी एक्टिंग की है ना जबरदस्त बेहतरीन आ जाओ भाई हो जाए फिर तो गाना रेडी है आ जाओ दुनिया तो प्यार मिले कोई दिलदार मिले आंदा सा बात गल बात दा खिल लेने वाल मेरे रेड़ा में नाल तेरे सौदाए पहली बरसात दा उलटी है जमालो पाल उलटी है जमालो 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 बैठ जाओ उलटी है जमालो तुम भी बैठ जाओ तुम भी बैठ जाओ और ये 3 पॉइंट्स जीते हैं टिकटॉकर्स ने इसलिए पूरा 1.5 मिनट है तुम लोगों के पास खामोश माइक नीचे उड़ा डालो आज पहली बार बिलाल के करीब जाके लगा वाकई बहुत खौफनाक है भाई अच्छा जी और टाइम जा रहा है गाइस टाइम जा रहा है इस तरह ये मोर लग रहे हैं हाथ नीचे करो यार बहुत बुरे लग रहे हो सांड भटक गया इसको रास्ता दिखा दो कोई अच्छा जी और तू बस को इतना पतला पतला बोलती हो आप भी ऐसा लगता है कॉटन वाले सूट पे कोई इस्त्री नहीं कर देता यूं करके बिल्कुल चिपक जाती है वैसे हाँ हरीम कुछ बोलना है आपने रबीका नहीं नहीं बस कुछ नहीं बड़े खुश हो तुम लोग आज इनसे तू भाई इतनी पतली है किसी ने गन्ने के डंडे पे कपड़ा बांधा हो चलिए जी इन्होंने कहा और कुछ बोलना नहीं है तो टाइम इनका खुद ही अप हो गया है मुझे जल्दी से स्कोर कार्ड दिखाइए कि दोनों टीम्स कहाँ पर हैं इस वक्त स्कोर कार्ड दिखाइए स्कोर्स हैं जी चैंपियंस के 17 टीम टिकटॉकर 18 पॉइंट्स वाह वाह आज तुम लोगों से आगे निकल गए हैं ये बहुत आला गाइस मुझे तो वो याद है 6-7-0 से स्टार्ट हुआ था कमबैक क्यों होता है ये है कमबैक सही बात है 18-17 हर गेम में आज इन लोगों ने आउट क्लास किया है ऑलमोस्ट जो शुरू के गेम से उसमें तुम लोग जीत रहे थे लेकिन बाद में बहुत ही ब्रिलियंट कमबैक है वेल डन गाइस लाइए जी नेक्स्ट गेम क्या है जल्दी से लेकर आओ मेरा ख्याल है ये अभी का लास्ट गेम है क्योंकि इसके बाद खेला जाएगा गेम चेंजर दोनों टीम्स के लिए बहुत जरूरी है ये लास्ट गेम है आज का 2 पॉइंट्स का गेम है गाइस ये गेम आप लोग भी खेल चुके हैं बॉटल को आपने फ्लिप करना होगा बॉटल आगे जहां सीधी रुकेगी तो बड़ी वाली बॉटल अकॉर्डिंगली मूव कर पाएंगे आप लोग 1 मिनट का टाइम होगा दोनों टीम्स के पास यहाँ से कौन आएगा एक मेल आओ अभिया आओ भाई यहाँ से कौन आएगा गाइस जल्दी से शाहताज आ जाओ चलिए जी ये गेम आप लोग कई बार खेल चुके शाहताज रेडी हो तुम्हारे पास पूरा 1 मिनट है अभी ऑल द बेस्ट रेडी गो तुम्हारा
अभिया ने हराया है शाहताज को यहाँ, इसलिए एक पॉइंट जाएगा टीम चैंपियंस के साथ। नेक्स्ट मुकाबला है जी मेल्स के दरमियान। हाँ जी बॉटल चेंज हो जाएगी, दोनों बॉटल चेंज होंगी, बॉटल चेंज होगी, बॉटल चेंज होगी, बॉटल चेंज होगी। जाइए जी दूसरी बॉटल दे दीजिए इनको यहाँ से। चलिए बलाच वर्सेस हुसैन, रेडी गो। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। टाइम अप, और इस तरह बलाच ने या हुसैन को हराया है, तो ये दोनों पॉइंट्स गए चैंपियंस के पास। और चैंपियंस फिर आगे आ जाओ, हो जाए फिर आगे चले गए तुम लोग, बहुत आला हो जाए भाई। इश्क हो गया जो पहला एक बार, सारी रात तो जग लग जावे, सोने सज रंग रहता इंतजार, सारी रात तो जग लग जावे। फिलहाल घूम घूम के कह रहा है सजना मैं कहाँ आ जाऊं, बार बार बोल रहा है कहाँ आऊं। भाई कुछ और भी कर लिया करो, तुम घूम के सिर्फ ये कर देते हो, क्या करूं मैं और मैं क्या करूं। खैर पूरा एक मिनट है उड़ाने के लिए, खामोश, बहुत बातें हो गई हैं, उड़ा दो। हाँ जी बिलाल साहब, आमिर माफ कर दिया, चलो यार अब जा, तुझे माफ किया। हाँ जी अभिया माफ कर दिया इन्होंने भी, नो कमेंट। बलाच कुछ कहना है आपने? माफ माफ, सबने माफ कर दिया। अच्छा असल में बिलाल बहुत अच्छा बन रहा है, मेरी कॉपी करता है हमेशा से, मेरी कॉपी करता है हमेशा से, अब देख। तो फिर क्या है सच्चाई, क्या है फिर सच्चाई? ये है कि जब भी मैं कुछ करता हूँ तो बिलाल उसकी कॉपी मारता है और ट्राई करता है कि मैं आमिर की तरह बनूं, और तू बनेगा इंशाल्लाह ताला एक दिन। अच्छा आप मेरी कॉपी नहीं करो, ये मैंने आपको आइडिया दिया कि आप अच्छा बन जाओ जी, अब ऑफ स्क्रीन तो मैं आपका उस्ताद हूँ, मानो मेरे उसको। अच्छा तू मैं इस चूही को बोलूंगी कि ये मैं इतनी देर से सोच रही थी, मैंने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। पोपाई का एक करेक्टर था, उसमें ऑलिव थी, वो बिल्कुल सेम आपकी तरह थी। और दूसरी बात आपने मुझे बोला कि मैं सस्ती मिकी माउस, या पता नहीं आपने क्या बोला, जो भी पोपाई की वाइफ थी वो, जो भी था, हाँ जो भी था। तो वो आप भी वो लगती हैं, वो जो रोड पे डुगडुगी पे बंदर नहीं नाचते 5 रुपए में, आप भी सेम वैसी लगती हैं मुझे। अच्छा दानिश भाई क्या है कि जब हम बोला उसमें थे बिलाल और मैं, तो इसको मतलब मैंने देखा बहुत ही एक मासूम सा बच्चा है, मासूम सा लड़का है, तो इसको मैंने गाइड किया, लास्ट तक गाइड किया, और आज भी इसको जब भी मेरी जरूरत होती है मैं हमेशा इसके साथ होता हूँ गाइड करने के लिए। ये तुम्हारी कॉपी करता है? हाँ बेटे की तरह मैं इसको बोलता हूँ, जब भी कुछ जरूरत पड़े मुझे बुला लिया कर। हुसैन ऐसा जैसे ना कुल्फी को चूस के फेंक दिया, देख के बोला करो बच्चों वाली बातें यार, बच्चों वाली बातें क्यों करते हो, मैं इतना प्यार दे रहा हूँ तुम्हें, तुम लड़ रहे हो, मैंने देखो सिखाया। चलो भाई टाइम अप, टाइम अप गाइस, टाइम अप। आप मुझे दिखाइए स्कोर कार्ड, उसके बाद मैं सोशल मीडिया स्टार्स देखना चाहूंगा, जो कि आज 2 पॉइंट्स बहुत ही अहम है दोनों टीम्स के लिए। दिखाइए पहले मुझे कि स्कोर कार्ड क्या है, पहले स्कोर कार्ड जी। 19 पॉइंट्स है चैंपियंस के, वहीं 18 पॉइंट्स है टिकटॉकर्स के। आज का मुकाबला बहुत ही सख्त रहा है, लेकिन अभी तक ना आप जीते हो और ना आप लोग जीते हो। अब गेम चेंजर आप में से कौन खेलेगा या कौन किसको दावत देगा, वो ये 2 पॉइंट्स डिसाइड करेंगे सोशल मीडिया के। दिखाइए मुझे सोशल मीडिया स्टैट्स, फैंस ने किसको वोट्स किया आज जी। ओ 52% वोट मिले हैं तकरीबन, फैंस पीछे नहीं छोड़ते हैं। टिकटॉकर्स को 47% वोट्स मिले हैं, चैंपियंस को। चैंपियंस तुम लोग सोशल मीडिया पे रोज हारते हो इनसे, ये बात तो है। इन लोगों की फॉलोइंग
बहुत ही लॉयल फॉलोइंग है, ज़बरदस्त फॉलोइंग है इन लोगों की। जो इनके फैंस हैं वो इनको भरपूर वोट्स करते हैं। तुम्हारे फैंस तुम लोगों को उस तरह वोट नहीं करते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, बट ऐसा क्यों हो रहा है? रोज कैसे हार सकते हो तुम लोग? असल में दानिश भाई, हमने एक चैंपियंस शो किया था तो उन लोगों ने हमें जज कर लिया है ना कि ये लोग ऐसे लड़ते हैं, ये लोग ऐसे हैं वैसे, ये लोग पहली बार स्क्रीन पे आए तो ये लोग इतना दिखे नहीं है, मतलब चैंपियंस की तरह हमारी तरह, तो इनको वो ज्यादा जज नहीं कर रहे, लोग इनको देख रहे हैं यार मासूम से लोग हैं। लेकिन वो लोग सोशल मीडिया पे काफी पहले से हैं यार, वो लोग लोग उनको ऐसे भी जानते होंगे। लेकिन ये इम्पैक्ट पड़ता है दानिश भाई, आप मतलब एक शो करके आए 30 दिन का जिसमें लोगों ने आपको पूरा देखा हुआ और उन्होंने जज किया हुआ, इनसाइड आउट पता है तुम लोगों का। चलिए आगे देखेंगे, आप लोगों की जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती है, वो आपको उस तरह वोट्स करती है नहीं। लेकिन आज 2 पॉइंट्स के साथ आपके पॉइंट्स हो गए हैं 20, वही आपके पॉइंट्स रह गए 19। और आज का गेम चेंजर खेलेंगे टिकटॉकर्स। गाइस 3 दिन से हार रहे हो, लगातार 3 दिन हो गए, सोच समझ के डिसीजन लेना। खुद खेलोगे तो तुम्हारे पास 1 चांस होगा, वो खेलेंगे तो तुम्हारे पास 4 चांसेस होंगे। बताओ खुद खेलो, तुम्हारी मर्जी है, खुद खेलोगे, खुद खेलोगे तो खेल लो, खुद बताओ भाई कौन से 4 ब्रीफकेस लेकर आऊं टिकटॉकर्स आपके लिए मैं। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 कैप्टन 6 8 ले आओ भाई, 6 और 8। चलिए जी शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर। 10 पॉइंट्स का गेम है, 20 पॉइंट्स अभी टिकटॉकर्स के हैं, वहीं 19 पॉइंट्स है चैंपियंस के। लेकिन अब ये गेम चेंजर डिसाइड करेगा कि आज का विनर एक्चुअली है कौन, 10 पॉइंट्स कौन लेके जाता है घर। चलिए जनाब, पहला ब्रीफ केस कौन सा ओपन करूं? याद रहे चौथे ब्रीफ केस में 10 लाख रुपए निकलने चाहिए, अगर उससे पहले निकल गए तो भी हार जाओगे, चौथे ब्रीफ केस में नहीं निकले तो भी हार जाओगे। बताइए पहला ब्रीफ केस कौन सा? आमिर कौन से ब्रीफ केस में है? मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो तुम कान में बताऊं? कान में 2 दिन से बता रहे हो, गलत बता रहे हो। बताऊं? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, एंड में पूछूंगा तुमसे अगर नहीं निकले तो। मैं क्या बताऊं? बस बस जाओ जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, आपको अगर लग रहा है कुछ तो अभी उनकी बारी है खेलने की। गाइस टोटल 2 मिनट है हमारे पास शो खत्म होने में, जल्दी बताओ पहला ब्रीफ केस कौन सा? नंबर 2 सोच लो यार, हाँ। सोचो 2 2 नंबर 2 यस नंबर 2 पक्की बात है? पक्की बात है। एक एक्सचेंज की ऑफर है हमारे पास ना, एक तो है ना, स्वैप करने की ऑफर है। सही है सही है। खैर क्या 2 लाओ भाई, नंबर 2 ले आओ, लाओ भाई नंबर 2 लेकर आओ, जरा जल्दी से देखूं और बताऊं कि आज नंबर 2 में कोई अच्छी खबर है या बुरी खबर है। ये वाला गेम टिकटॉकर्स बेचारे हमेशा हार रहे हैं, और ये ब्रीफ केस भी फंस गया नाजरीन, ये कोई क्लू तो नहीं दे रहा है। काशिफ काशिफ ये देखना, जरा खुल नहीं रहा, खोलो से, ये खुल नहीं रहा ब्रीफ केस, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कोई खुल गया? अरे खुल गया खुल गया, कोई ऐसी खराबी हो गई होगी। पक्की बात है? बता दूं खराबी किसमें हुई है फिर? रेडी हो रबीका? ओपन कर दूं? उधर देखो तुम, ओ सबसे पहला ब्रीफ केस ही खुलवा दिया है नंबर 2। मैं तुम लोगों को और कितने हिंट्स देता, हर दफा मैंने तुमसे पूछा यार एक कोई शानदार सा गाना हो जाए, हो जाए फिर तो। ए जान जहां लरजा है तेरी आवाज के साए, तेरे होठों के सरा, क्या बात है, दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले
पहलू के समन और गुलाब। क्या बात है यार लकी, बहुत आला यार। थैंक यू। चलो भाई लकी का शानदार गाना और हमारे गेम शो का इख्तिताम। दो नंबर ब्रीफ केस खुलवाया। कौन जीत गए? हम जीत गए। बस अभी खुश हो जाना अगर जीत गए तो। बिलाल रेडी? दानिश भाई हाँ। आज मुझे लगता है कि 10 लाख तो हो ही नहीं किसी के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर है। मैं चेंज किया, आज लगता है चेंज किया हो सकता है फॉर्मेट। तुम्हें लग रहा है कि किसी में भी 10 लाख रुपए नहीं है? नहीं मुझे नहीं लगता है, आई थिंक। अच्छा ऐसा है जी। चले मैं देखता हूँ कैसा है। जनाब दो नंबर ब्रीफ केस किसके गले में ओपन करवाया? मैंने कहा भी कि फंस गया है ब्रीफ केस नहीं खुल रहा है। तुम लोगों ने कहा नहीं, दो नंबर ब्रीफ केस ओपन कर दो। लग गई, बहुत जोर से लगी है। रबीका के कहने पर ये दो नंबर ब्रीफ केस आज ओपन हुआ। जीत गए, हार गए लगातार। तो आप चुप करके बैठो। लगातार अभी तक ऐसा नहीं हुआ। 3 दिन से लगातार टीम चैंपियंस जीत रही थी और आज लगातार चौथे दिन भी नहीं जीती है। बच गए। इनमें से किसी में भी नहीं है। मैं इनको आज फेवर करता हूँ। क्या? यही के 4 नंबर में 10 लाख के वो आप लोग आखिर में लास्ट में खुलवा देना। ओह ये जब से बलाज बता रहा है पोटली में और ब्रीफ केस में क्या है ये एग्जैक्टली होता है। वैसे मैंने नोटिस किया है। आई डोंट नो हाउ कैसे पता ये बात, लेकिन पता नहीं ये सोचता है ये बातें और हो जाती है। यार मुझे नहीं पता। अभी खेलने तुम लोग आए हो, बताओ नेक्स्ट ब्रीफ केस कौन सा खोलो। सोच समझ के। दानिश सर जी, बासित ना बलाज को ऐसे ऐसे इशारे कर रहे नीचे से। कौन? वो बासित इशारे कर रहे। बताओ मुझे बताओ। देखो अगर बताया कभी तुक्का ही मार सकता है वो, और क्या करेगा बेचारा भाई। टाइम हो गया। इनमें से किसी में भी 10 लाख रुपए नहीं है। इनमें से है ही नहीं किसी में। है ही नहीं। मैं नंबर 5 में है। 5 मंगवा लो। नंबर 6 4 में 4 एंड में खुलवाना। हम लोग बता रहे हैं लोग 4 में 4 एंड में खुलवाना। जल्दी से लाओ भाई नंबर 6 ले आओ। ले आओ फिर नंबर 6 ही। एक आखिरी बार पूछना चाह रहा हूं, नंबर 6 ओपन कर दूं। रबीका यस खोल। आखिरी बार पूछ रहा हूं, खोल दे। नंबर 4 एंड में खुलवाना, उसी में ही है हम बता रहे हैं। एक नंबर में ओपन करवाया है नेक्स्ट टीम टिकटॉकर्स ने, जो कि 3 दिन से लगातार हार रही है और मैं देखना चाहूंगा कि ये किस्मत आज टिकटॉकर्स के साथ है यार। लग गई, जोर से लगी है बहुत बेचारे। अगर इसमें ना निकले ना तो फिर 8 को 3 से स्वैप कर लेना। गुंजाए शौक मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है, अगर हो जाए थोड़ा सा तो हो जाए। टाइम भी खत्म हो गया ना तो गाना सुनते। गुंजाए शौक लगा है खिलने। गुंजाए शौक लगा है फिर तुझे आ किया है दिल ने। वाह वाह लकी। गुन चाहे शौक लगा है खिलने। शानदार लकी, शानदार। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। क्या बात है। और इसी नोट पे दानिश भाई आज एक का बात गेम बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो गया। मेरी अम्मी की बोलना चाहता हूँ। मेरी अम्मी जब शो देख रही थी, मैं रमजान में यहाँ आया था okay. तो शुरू में देख रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर जब समझ गई तो वो सारे शोज देखती थी ना वो। फिर मेरी बहन आई, उनसे पूछने लगी कि अम्मी आज तो आमिर की मैच नहीं है, अब क्यों देख रही हैं? वो बोलती ये सुल्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको शायद सीरियल देखती थी आपका। तो वो बोलती थी हाँ, उनका नाम आपका नाम उन्हें याद नहीं था, तो वो आपका सीरियल देखती थी। वो बोलती ये सुल्तान मुझे अच्छा लगता है। सो स्वीट, सो स्वीट यार, थैंक यू। चलिए जी, आमिर साहब ने एक याद दिलाई और मेरा पसंदीदा गाना सुनाया लकी ने। और गाइस तुम लोगों का टाइम अप हो गया। हार तुम लोगों वैसे ने भी छोड़ दो, एक मिनट तुम खेल लो, आके आओ तुबा। मैं खेलू 6 नंबर ब्रीफ केस। मुझे नहीं पता तुम में से किसके जहन में आया या तुम्हें किसने क्या हिंट दी जो तुमने खुलवा लिया।
तीन दिन से हार रहे थे और आज लगातार चौथे दिन भी नहीं हारे। 8 लाख रुपए निकले हैं। अब याद रखो, तुम लोगों के पास स्वैप करने का ऑप्शन है, जब भी चाहो एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो। अभी तक बहुत बेहतरीन खेल रहे हो, किस्मत तुम लोगों के साथ अभी तक है। बताओ नेक्स्ट ब्रीफकेस कौन सा ओपन करूं? स्वैप करो यार, स्वैप करते हैं। अबे मैं कह रही हूं तो स्वैप करोगे? हां 8 को 5 से स्वैप, 8 को 5 से, 8 को 5 से स्वैप करना है, 3 से स्वैप करो, 8 को 5 से स्वैप करना है, 8 को 5 से, मुझे नहीं पता। हां 8 को 5 से स्वैप कर लो, ये पावर एक बार ही रहेगी, उसके बाद ही पावर चली जाएगी। 5 नहीं लेना, सोच समझ के जो भी करना है। 9 ले लो, करते हैं 9 करते हैं, ला भाई 8 वापस, 5 ले आओ, 4 एंड में खुलवाना, 4 में है। 8 नंबर का ब्रीफ केस अब गेम से बाहर कर दिया तुम लोगों ने। अब 5 नंबर का ब्रीफ केस 5 भी एंड में खुलवाओ, 4 खुलवाओ। अब बताओ क्या करना है, रबिका टाइम खत्म, 4 खुलवाएंगे, 4 नहीं खोलते, 4 नहीं खोलते, 4 मुझे नहीं पता, रवि का बताइए कैप्टन रवि का। यार नहीं खोलते हैं, रवि का नहीं खोलते हैं, 4 नहीं नहीं 4 नहीं, पहले 5 खुलवाओ, वोट करते हैं, वोट करते हैं, वोट कर लो, चलो 4, मैं बोलता हूं 4 में, 10 लाख 4 नहीं खोलना चाहिए, 4 नहीं यार, 4 4 टाइम खत्म हो गया जी, बताइए 4 डन, आखिरी बार पूछ रहा हूं आपसे, 4 में यार, रवि का प्लीज यार, नहीं नहीं नंबर 4, 5 ओपन करवाते हैं नंबर 4, टाइम अप गाइस, जल्दी से डिसाइड करो, रवि का मुझे बताओ खुद सोचा और खुद डिसाइड किया नंबर 5, तो मैं नंबर 5 खोल दूंगा, कोई बात ही नहीं सुनता, नंबर 5 ओपन कर रहा हूँ, 5 में है, मैं बोल रही हूँ, जब तक ये ओपन नहीं कर रहा तुम्हारे पास चांस है, इसको जल्दी बताओ 5 या 4, 5 4 3 2 4 में 10 लाख, और नंबर 5 ओपन करवा दिया बिल आखिर टिकटॉकर्स ने, जीत गए हम, जीत गए, जीत गए, जीत गए हम। तुम लोगों से मैंने कहा भी था कि सोच समझ के डिसीजन ले रहा, जब 4 नंबर ओपन करवा रही थी तुम और तुम, तो क्यों नहीं मानी तुम तीनों ने बात? मुझे नहीं पता, खैर तुम्हारी पूरी टीम का डिसीजन होना चाहिए था, लेकिन 5 नंबर ब्रीफ केस ने आज एक टीम को फिर से मौका दिया है। मुझे पता है अभी नहीं, मुझे बोल रही थी मत खुलवाए, 5 नंबर भी बाहर, आखिरी ब्रीफ केस ले आओ भाई, जल्दी से ले आओ, 4 नंबर स्वैप नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते, स्वैप वाला ऑप्शन आपने यूज कर लिया है, 4 नंबर ही बस है, हम जीत गए। आमिर तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सा नंबर? 4 नंबर में सर, जल्दी से माइक में, माइक में जल्दी से, मैं कल 2 में निकला था, अभी बताओ अभी क्या करना है, अभी मुझे लगता है 3 में, लाओ भाई नंबर 3 लेकर आओ, नंबर 3 लेकर आओ, और ये नंबर 4 टिकटॉकर से मंगवाया था आज का आखिरी ब्रीफ केस, उधर जाओ, उधर जाओ, पहले मैं देखूंगा, मुझसे पहले कोई नहीं देखता। गाइस या तो आज चौथी बार हारे हो लगातार, उसके बाद दिखाऊंगा तुम्हें क्या है नंबर 3 में, आज चौथी बार हारे हो, और आमिर ने कहा नंबर 3 में है, तो नंबर 3 में नहीं है, 10 लाख रुपए टिकटॉकर्स के साथ आखिरी ब्रीफ केस में 10 लाख रुपए निकले, और आज के विनर है टीम टिकटॉकर्स। ये बालाज को कैसे एग्जैक्ट पता होता है, आज भी बालाज ने बोला था, ये बालाज का मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, बालाज जो बोल रहा है आज वही हो रहा है। नेक्स्ट वीक इन लोगों को फिर से लेकर आऊंगा आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, देखना ना भूलिएगा, मिलके सब बोलेंगे मेरे साथ गेम शो ऐसे।